हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम निम्रा सुंदर से स्टैटिक्स का रिवीजन करेंगे। तो ये बहुत ही थोड़ा डिफिकल्ट लगता है स्टैटिक्स पढ़ने में, और ज़्यादा तो दिया नहीं है निम्रा सुंदर में भी, लेकिन इतना भी पढ़ने में हालत ख़राब हो जाता है। तो चलिए देखते हैं निम्रा सुंदर से स्टैटिक्स। तो फादर ऑफ वाइटल स्टैटिक्स कौन है? कैप्टन जॉन ग्रैंट। ये सब जो अभी दिया हुआ है उसे केवल याद करना है, एक एक नंबर में पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव में। फिर द पर्पज़ ऑफ रेंडमाइजेशन इन फील्ड एक्सपेरिमेंट। तो फील्ड एक्सपेरिमेंट में जो हम रेंडमाइजली ट्रीटमेंट को एलोकेट करते हैं वो क्यों करते हैं? वेरिएंस को कंट्रोल करने के लिए। फिर यूनिटलेस मेजर ऑफ डिस्पर्सन कौन है? कोफिशेंट ऑफ वेरिएशन, मतलब कोफिशेंट ऑफ वेरिएशन में कोई यूनिट नहीं होता है। यूनिट मतलब क्या होता है? जैसे सेंटीमीटर, किलोग्राम, तो इसमें कोफिशेंट ऑफ वेरिएशन में ऐसा कोई यूनिट नहीं होता है। कोफिशेंट ऑफ वेरिएशन को कैलकुलेट कैसे करते हैं? एस डी बाई मीन इंटू 100, मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन बाई मीन इंटू 100। ये क्रिटिकल डिफरेंस इज कैलकुलेटेड बाई अंडर रूट टू एम एस सी डिवाइड बाई आर इंटू टी। तो यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है अच्छे से, अंडर रूट टू एम एस सी बाई आर इंटू टी। आप जिस बुक से पढ़ रहे हैं निम्रा सुंदर सामने अगर रखे हैं तो वहाँ पे सही से लिखा हुआ है, उसे आप लोग देख लीजिएगा। तो और आर बी डी के लिए, मतलब रेंडमाइज ब्लॉक डिजाइन के लिए, डिग्री ऑफ फ्रीडम का फार्मूला क्या है? एन माइनस वन आर माइनस वन, मतलब एन माइनस वन इंटू आर माइनस वन। तो ये फार्मूला याद कर लीजिएगा, ये इस बार के सी यू टी के एग्जाम में पूछा गया था, मतलब इसे न्यूमेरिकल पूछा गया था, डायरेक्ट फार्मूला नहीं, इसे न्यूमेरिकल पूछा गया था। और प्रोबेबिलिटी का रेंज कितना होता है? 0 से 1। और मिनिमम डिग्री ऑफ फ्रीडम फॉर एरर इन एनोवा कितना होता है? 12। ये सब केवल याद करने वाला टॉपिक है, अब इसे याद कर लीजिए। टी टेस्ट इज एप्लीकेबल वेन नंबर ऑफ ट्रीटमेंट इज 12, यहाँ पे 12 होगा, नहीं 2 ही होगा, 2। और अगर हमें गुडनेस ऑफ टेस्ट को मेजर करना है तो कौन सा टेस्ट यूज़ करेंगे? काई स्क्वायर टेस्ट। और किसी डाटा को अगर समराइज करना है तो सबसे पहला स्टेप क्या होता है? क्लासिफिकेशन करना, उस डाटा का क्लासिफिकेशन करना। और किसी इम्पॉसिबल इवेंट का प्रोबेबिलिटी कितना होता है? 0, मतलब जो इवेंट हो ही नहीं सकता उसका इवेंट कितना, उसका प्रोबेबिलिटी कितना होगा? 0। और अगर हमें प्लांट के हाइट का एवरेज मेज़र करना है तो क्या हम यूज़ करेंगे? अरिथमेटिक मीन यूज़ करेंगे। और जब सैंपल साइज काफ़ी स्मॉल होता है और स्टैंडर्ड डेविएशन अननोन हो तो कौन सा टेस्ट यूज़ करेंगे? टी टेस्ट यूज़ करेंगे। और कोरिलेशन कोफिशिएंट के अगर यूज का सिग्निफिकेंस टेस्टिंग करना हो हमें तो कौन सा टेस्ट यूज़ करेंगे? टी टेस्ट यूज़ करेंगे। और लैटिन स्क्वायर डिजाइन, मतलब एलएसडी जो है वो कितने ट्रीटमेंट के लिए बेस्ट होता है? 5 to 12 ट्रीटमेंट के लिए ये बेस्ट होता है। और फील्ड एक्सपेरिमेंट के लिए कौन सा डिजाइन बेस्ट होता है? आरबीडी, रेंडमाइज ब्लॉक डिजाइन। और ये जो आरबीडी है वो लैब एक्सपेरिमेंट के लिए बढ़िया नहीं है। फिर आते हैं रिग्रेशन कोफिशिएंट। ये जो रिग्रेशन कोफिशिएंट है उसका रेंज कितना है? माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी की तरफ। और कोरिलेशन कोफिशिएंट कितना है? माइनस वन से प्लस वन का रेंज है। तो ये दोनों रेंज आप लोग याद रखिएगा, एग्जाम में पूछ लेंगे आपसे। फिर आते हैं स्टूडेंट टी टेस्ट, मतलब ये जो स्टूडेंट टी टेस्ट है उसे कौन डिस्कवर किया था? डब्ल्यू एस गोसेट, जी ओ डब्ल्यू एस ई टी। और ये जो काई स्क्वायर है इसका रेंज कितना होता है? यह 0 से इन्फिनिटी। और सेंट्रल टेंडेंसी में 3 होते हैं, मीन, मीडियन, मोड। तो इसमें सबसे कॉमन मेथड कौन है? अरिथमेटिक मीन। ये देखने में इजी लग रहा है लेकिन यही पूछ देते हैं तो एग्जाम में गड़बड़ा जाता है। और मेजर ऑफ डिस्पर्शन में सबसे बेस्ट कौन है? स्टैंडर्ड डेविएशन। सेंट्रल टेंडेंसी में बेस्ट कौन है? अरिथमेटिक मीन। और मेजर ऑफ डिस्पर्शन में कौन बेस्ट है? स्टैंडर्ड डेविएशन। ये देखते हैं कुछ, विच इज़ नॉट ए मेजर ऑफ डिस्पर्शन, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन मेजर ऑफ डिस्पर्शन नहीं है। और जो स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू होती है वो कितना होता है, मतलब रेंज 0 से इन्फिनिटी। और कोरिलेशन, जो कोरिलेशन है वो मतलब कितने वेरिएबल्स के बिहेवियर के एनालिसिस के लिए यूज़ किया जाता है, 2 या 2 से ज़्यादा वेरिएबल को। कोरिलेशन क्या है ये भी अभी आगे देखेंगे हम। द आर बी डी इज अवेलेबल फॉर ए वाइड रेंज ऑफ ट्रीटमेंट 2 to 24, मतलब आर बी डी रेंडमाइज ब्लॉक डिजाइन को हम 2 से 24 ट्रीटमेंट तक हम इससे कर सकते हैं। इफ ऑब्जर्व फ्रिक्वेंसी इज इक्वल टू एक्सपेक्टेड वन, मतलब जो हम ऑब्जर्व किए हैं फ्रिक्वेंसी वो अगर जो हम एक्सपेक्ट किए हैं फ्रिक्वेंसी उसके बराबर हो जाए तो होगा क्या कि वैल्यू ऑफ काई स्क्वायर स्टैटिक, वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर स्टैटिक से 0, जो वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर है वो 0 के बराबर हो जाएगा। टू गेटिंग द हाई प्रिसीजन, अगर हमें हाई प्रिसीजन चाहिए तो लार्ज सैंपल होना चाहिए, मतलब स्मॉल सैंपल में हम हाई प्रिसीजन नहीं ला सकते। एफ टेस्ट कैन बी यूज फॉर द सिग्निफिकेंस ऑफ सेवरल डिफरेंसेस। एफ टेस्ट का
यूज कहाँ किया जाता है, मतलब डिफरेंसेस कैलकुलेट करने के लिए किया जाता है। और मिनिमम सिंपल साइज का काई स्क्वायर टेस्ट के लिए कितना होना चाहिए, 50। तो काई स्क्वायर टेस्ट के लिए मिनिमम कितना होना चाहिए, 50 या फिर 50 से ज़्यादा। और अगर हमें शूज़ का एवरेज साइज़ मार्केट में पता मतलब लाना है, तो क्या मतलब किस बेसिस पे हम लाएंगे, मोड के बेसिस पे। मतलब जैसे मार्केट में अगर 1,000 लोग सामान शूज़ खरीद रहे हैं, तो 1,000 में हम देखेंगे कि कितने लोग 8 नंबर का जूता पहनते हैं, कितने लोग 6 नंबर का पहनते हैं। तो अगर 8 वाले ज़्यादा हैं, तो सबसे पहले हम 8 वाले को लाएंगे, जिससे हमारा बेनिफिट होगा। तो प्रेजेंस द होल डाटा बाई ओनली वन सिंगल वैल्यू मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। मतलब अगर हमें पूरे डाटा को एक सिंगल वैल्यू में रिप्रेजेंट करना है, तो हम क्या यूज़ करते हैं, सेंट्रल टेंडेंसी को। मतलब जो अरिथमेटिक मीन जैसे है, वो क्या करता है, जितने भी डाटा हैं जैसे उनका ये अरिथमेटिक मीन एवरेज होता है, तो वो जो एवरेज है, मीन है, वो पूरे डाटा को रिप्रेजेंट करता है। अगर किसी एक्सपेरिमेंट के समय कोई डाटा लास्ट हो जाता है, कोई इन्फॉर्मेशन लास्ट हो जाता है, तो उसे हम कैसे ये मतलब दोबारा पाएंगे, मिसिंग प्लॉट टेक्निक द्वारा। टू स्टडी इफेक्ट ऑफ टू और मोर फैक्टर्स, अगर हमें 2 या 2 से अधिक फैक्टर्स के बारे में स्टडी करना है, तो कौन सा प्लॉट डिज़ाइन हम यूज करेंगे, स्प्लिट प्लॉट डिज़ाइन। अगर इंडस्ट्रीज़ में हमें क्वालिटी कंट्रोल करना है, तो सबसे बेस्ट इंपॉर्टेंट मेजर ऑफ डिस्पर्जन क्या है, रेंज, क्वालिटी कंट्रोल के लिए रेंज। इफ़ ऑल द वेरिएट वैल्यूज आर निगेटिव, द स्टैंडर्ड डेविएशन विल बी पॉजिटिव। क्यों, कि स्टैंडर्ड डेविएशन हमेशा पॉजिटिव होता है। स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है, स्क्वायर रूट ऑफ वेरियंस। तो वेरियंस क्या है, हमेशा पॉजिटिव है, तो स्टैंडर्ड डेविएशन भी हमेशा पॉजिटिव होगा। मतलब नंबर चाहे निगेटिव हो या पॉजिटिव, इसको स्टैंडर्ड डेविएशन हमेशा पॉजिटिव होंगे। अंडर द एजम्पशन फॉर एनालिसिस ऑफ वेरियंस, द प्रेजेंट पेरेंट पॉपुलेशन शुड बी नॉर्मल। तो यहाँ पे पेरेंट पॉपुलेशन का कितना होना चाहिए, नॉर्मल होना चाहिए। और ये जो एनालिसिस ऑफ वेरियंस टेक्निक है, मतलब जो एनोवा टेक्निक है, किस लिए यूज होता है, कंपेयरिंग द मीन्स ऑफ मोर देन टू पॉपुलेशन। तो दो पॉपुलेशन के मीन्स को, दो पॉपुलेशन ज़्यादा के मीन्स को कंपेयर करने के लिए। और वो कौन सा डिज़ाइन है जिसमें नंबर ऑफ रेप्लिकेशन नंबर ऑफ ट्रीटमेंट के बराबर हो जाता है, वो है LSD डिज़ाइन, मतलब लैटिन स्क्वायर डिज़ाइन। फॉर टेस्टिंग द इंडिपेंडेंस ऑफ टू एट्रीब्यूट, दो एट्रीब्यूट के इंडिपेंडेंस के टेस्टिंग के लिए कौन सा टेस्ट यूज़ करते हैं, काई स्क्वायर टेस्ट। इंडिपेंडेंस का मतलब क्या है, जो दो एट्रीब्यूट हैं वो एक दूसरे के इंडिपेंडेंट है, कोई एक दूसरे पे डिपेंड नहीं है। और फिर व्हेन टू वेरिएबल्स मूव इन द सेम डायरेक्शन, जब कोई दो वेरिएबल सेम डायरेक्शन में मूव करते हैं, तो उसे क्या बोलते हैं, पॉजिटिव कोरिलेशन। मतलब जैसे हमने फर्टिलाइजर अप्लाई किया और यील्ड बढ़ गया, तो फर्टिलाइजर ऐड करने पे यील्ड बढ़ रहा है, तो ये पॉजिटिव कोरिलेशन है। अभी कोरिलेशन भी आगे पढ़ेंगे, तो यहाँ पे टाइम वेस्ट न करते हुए आगे तो पढ़ा जाएगा। और जब दो वेरिएबल अपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हैं, तो उसे निगेटिव कोरिलेशन बोलते हैं, ये भी आगे देख लिया जाएगा। इन द केस ऑफ परफेक्ट निगेटिव कोरिलेशन, अगर परफेक्ट निगेटिव कोरिलेशन है, तो कोफिशियंट ऑफ कोरिलेशन कितना होगा, -1 होगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ कोई इवेंट कितने के रेंज में रहता है, 0 से 1 के बीच में। मतलब अगर कोई इवेंट हो रहा है, तो वो उसका जो प्रोबेबिलिटी, टोटल प्रोबेबिलिटी होगी, या फिर किसी एक की प्रोबेबिलिटी होगी, किसी एक इवेंट की, वो 0 से 1 के बीच में होगी। मतलब एक टॉस हम कॉइन कर एक कॉइन को हम टॉस करते हैं, और हमें हेड चाहिए, तो उसका चांस कितना होगा, 1/2। तो इसका मतलब 0.5, 0 से 1 के बीच में 0.5 आ गया ना, लेकिन वो 0 नहीं हो सकता। इन डिस्क्राइबिंग द अमाउंट ऑफ वेरिएशन इन अ पॉपुलेशन, मेजर ऑफ एन यूज इज कोफिशेंट ऑफ वेरिएशन। मतलब अगर किसी किसी पॉपुलेशन में हमें वेरिएशन के अमाउंट को डिस्क्राइब करना है, तो क्या यूज़ करेंगे, कोफिशेंट ऑफ वेरिएशन। इन द फर्टिलिटी वेरिएशन इन द फील्ड टू डायरेक्शन एट राइट एंगल, विच ऑफ द एक्सपेरिमेंट डिजाइन इज सुटेबल, LSD लैटिन स्क्वायर डिजाइन। तो यहाँ पे आप लोग देख लीजिए, अभी इसको हम लैटिन स्क्वायर डिजाइन आगे पढ़ेंगे, तो वहाँ पे पढ़ा जाएगा इसको। अरिथमेटिक मीन सबसे कॉमनली यूज क्यों किया जाता है, क्योंकि ये सभी ऑब्जर्वेशन पे बेस्ड होता है। अगर हमें कोरिलेशन कोफिशिएंट का होमोजेनिटी का टेस्ट करना है, तो क्या यूज करेंगे, काई स्क्वायर टेस्ट करेंगे। टू रिड्यूस द एक्सपेरिमेंटल एरर विथ हेटेरोजेनियस मटेरियल, क्या इसके लिए क्या करेंगे, मोर एयर एप्लीकेशन एंड यूज़ ऑफ लोकल कंट्रोल। मतलब अगर हेटेरोजीनियस मटेरियल है, और उसमें हम एक्सपेरिमेंटल एरर, जो एक्सपेरिमेंट में एरर होते हैं, उसे कम करना है, रिड्यूस करना है, तो क्या क्या करना होगा, ज़्यादा से ज़्यादा रेप्लीकेशन करना होगा और लोकल कंट्रोल का यूज़ करना होगा। अब रेप्लीकेशन क्या होता है, लोकल कंट्रोल क्या होता है, अभी आगे पढ़ेंगे।
लाइक ऑफ होमोजेनिटी इन द साइज ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इज कॉल्ड डिस्पर्जन। मतलब अगर हमें कुछ डाटा दिया है उसे हम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं तो उसमें जो होमोजेनिटी की कमी आएगी उसे क्या बोलते हैं, डिस्पर्जन। सच मेजर ऑफ डिस्पर्जन विच इज अफेक्टेड लिस्ट बाई फ्लक्चुएशन ऑफ सिंपल सैम्पलिंग। मतलब स्टैंडर्ड डिविएशन एक ऐसा मेजर ऑफ डिस्पर्जन है जो कि सैम्पलिंग के फ्लक्चुएशन से कम इफेक्ट होता है। अगर कर्टोसिस की वैल्यू लेस देन 3 हो तो उसे क्या बोलते हैं, प्लेटिकर्टिक। अभी इसे भी आगे देखेंगे। फिर आते हैं द नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट कॉन्स्टेंट इन द सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन इज कॉल्ड डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो किसी मतलब ऑब्जर्वेशन के सेट में जो भी इंडिपेंडेंट बैरियर होता है, इंडिपेंडेंट कॉन्स्टेंट होते हैं, उनके नंबर को क्या बोलते हैं, डिग्री ऑफ फ्रीडम। द टेस्ट वेदर थ्योरी फिट्स वेल इन प्रैक्टिकल कैन बी जज्ड बाई। मतलब कोई ऐसा थ्योरी है जो कि प्रैक्टिकल के साथ हुआ है उसे हम कैसे जज करेंगे, काई स्क्वायर टेस्ट से। फॉर टेस्टिंग ए सिंगल प्रोपोर्शन ऑफ द पॉपुलेशन टेस्ट इज यूज्ड व्हेन द सैंपल साइज इज लार्ज। सैंपल साइज लार्ज हो और हमें किसी पॉपुलेशन का सिंगल प्रोपोर्शन का टेस्टिंग करना हो तो जेड टेस्ट यूज़ करेंगे। और कोरिलेशन बिटवीन प्राइस एंड डिमांड ऑफ कमोडिटी, ये कौन सा कोरिलेशन है, निगेटिव कोरिलेशन है। क्योंकि अगर प्राइस बढ़ेगा, जैसे निगेटिव कोरिलेशन क्या होता है, अगर अपोजिट डायरेक्शन जा रहे हैं तो निगेटिव कोरिलेशन है। कोरिलेशन बिटवीन प्राइस एंड डिमांड, तो मतलब अगर जैसे प्राइस बढ़ेगा, प्राइस बढ़ रहा है तो डिमांड क्या हो जाएगा, घट जाएगा। ये हुआ ना, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं। किसी किसी ऑब्जेक्ट की प्राइस बढ़ती है तो उसका डिमांड घट जाता है। अब ये स्टैटिक्स का डिफिनेशन दिया हुआ है, इसे आप लोग पढ़ लीजिए, ये याद करने का कोई मतलब है नहीं, ये ऑब्जेक्टिव में तो इससे कुछ आता भी नहीं है। फिर आते हैं वेरिएबल क्या है। एक कैरेक्टरिस्टिक्स फिनोमेना विच में टेक ऑन डिफरेंट वैल्यूज। मतलब ये ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स या फिर फिनोमेना है जिनके अंदर कई सारे वैल्यूज, डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज रिकॉर्ड्स होते रहते हैं। जैसे रेनफॉल रिकॉर्ड्स, मतलब इस साल इतना बारिश हुआ, इतना मिलीमीटर बारिश हुआ, फिर अगले साल कुछ दूसरा हो जाएगा, इस महीने में इतनी बारिश हुई, अगले महीने में कुछ दूसरा, मतलब अलग बारिश हो जाएगी मिलीमीटर में। बर्थ रेट, डेथ रेट, मतलब इस साल जो है डेथ रेट इतना है, अगले साल डेथ रेट कुछ अलग हो गया। तो ये जो वेरिएबल्स हैं वो दो प्रकार के होते हैं, कॉन्टीन्यूअस वेरिएबल, डिस्क्रीट या डिसकॉन्टीन्यूअस वेरिएबल। तो जो कॉन्टीन्यूअस वेरिएबल है ये क्या है, ऐसे क्वांटिटीज विच कैन टेक एनी न्यूमेरिकल वैल्यू विद इन सर्टेन रेंज। कॉन्टीन्यूअस वेरिएबल में कुछ सर्टेन रेंज दिया होता है, उसी के अंदर जो न्यूमेरिकल वैल्यू हैं वो आते हैं। जैसे प्लांट हाइट, मतलब दे दिया है 10 से 15 रेंज दे दिया है, 10 से 15 मीटर का रेंज दे दिया है, मतलब जितने भी वेरिएबल होंगे, वेरिएट होंगे, वो सब इसी के रेंज में होंगे। मतलब कोई प्लांट 11 मीटर का हो सकता है, कोई 13 मीटर का हो सकता है, कोई 15 या फिर कोई 14 मीटर का। वैसे ही यील्ड एग्जांपल दिया हुआ है, मतलब किसी रेंज में ही रहते हैं। और ये डिस्क्रीट डिसकंटीन्यूअस वेरिएबल क्या है, ये कोई भी इंटीजर वैल्यू ले सकते हैं, मतलब इसमें कोई रेंज नहीं दिया होता है, वो कुछ भी हो सकते हैं। और ये वेरिएट क्या है, जो हम मेजरमेंट कर रहे हैं इस सिंगल ऑब्जर्वेशन और मेजरमेंट को हम वेरिएट कहते हैं। मतलब अगर किसी प्लांट की हाइट 13 है तो उसे हम वेरिएट बोलेंगे। सेंट्रल टेंडेंसी क्या है, ए वैल्यू ऑफ द वेरिएट विच थ्रोली रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द सीरीज ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन एज होल इज नोन एज सेंट्रल टेंडेंसी। मतलब ये सेंट्रल टेंडेंसी एक ऐसी वैल्यू है, वेरिएट की एक ऐसी वैल्यू है जो कि पूरे होल डाटा को रिप्रेजेंट करती है। जैसे मीन मीडियन मोड है, तो हम किसी चीज़ का अगर मीन निकालते हैं तो वो पूरे डाटा, मतलब जो फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है पूरा, उसको ये रिप्रेजेंट करती है। अब सेंट्रल टेंडेंसी को मेजर कैसे किया जाता है, मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, पहला है अरिथमेटिक मीन। ये सबसे कॉमन मेथड है सेंट्रल टेंडेंसी को मेजर करने के लिए, और इसका प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है। और ये रिगार्डेड एज बेस्ट ऑफ ऑल द एवरेजेस। तो मतलब ये अरिथमेटिक मीन क्या होता है, सभी एवरेज में से सबसे बेस्ट यही माना जाता है। और ये जो है वो सभी ऑब्जर्वेशन पे बेस्ड होता है। और अरिथमेटिक मीन कैसे निकालते हैं, सम ऑफ टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, मतलब जितने भी टोटल नंबर्स ऑफ ऑब्जर्वेशन हैं उनके सम को, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन यन। तो जितने भी ऑब्जर्वेशन हैं उनके सम को अगर हम टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से डिवाइड करते हैं तो अरिथमेटिक मीन निकल जाता है। और ये मीडियन क्या है, वैल्यू ऑफ मिडल मोस्ट। मतलब कि इसमें ये लिखा है कि जैसे अगर हम कोई हमें डाटा दिया हुआ है उसे हम पहले असेंडिंग या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में रखेंगे, फिर उसमें जो सबसे मिडल में आएगा वही उसका मीडियन होगा। तो यहाँ पे जैसे दिया है ये 369 एकदम अरेंज करके नहीं लिखा है, पहले हम इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे। तो असेंडिंग ऑर्डर मतलब घटते से बढ़ते क्रम में लिख लिए। अब हम देखेंगे कि इसमें मिडल मोस्ट कौन सा है, तो मिडल मोस्ट यहाँ पे ये 6 वाला है, इसके इधर भी 3 नंबर है, इसके इधर भी 3 नंबर है, तो मिडल मोस्ट कौन है, 6। तो मीडियन कितना हो जाएगा, 6। और ये जो मीडियन है
वो क्वालिटेटिव डाटा के लिए यूज़ ज़्यादा होता है, जैसे इंटेलिजेंस के लिए, एबिलिटी के लिए, होनेस्टी के लिए। मतलब जैसे एग्ज़ाम में हमारे कैरेक्टर सर्टिफिकेट पे स्कूल के लिखा जाता है कि ये इनका जो होनेस्टी है वो 1 का है, या फिर जो इंटेलिजेंस पावर है उनका नंबर 1 का है, या फिर नंबर 3 का है, नंबर 1 वाला सबसे बेस्ट माना जाता है। तो यही है मीडियन, इसके लिए यूज किया जाता है। और मीडियन को निकालने का फॉर्मूला क्या है, अगर टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन ऑड नंबर में है तो क्या करेंगे, एन प्लस 1/2, वेथ टर्म जो होगा वो मीडियन होगा। याद रखिएगा एन प्लस 1/2 अगर करने पे जो आंसर आएगा वो मीडियन नहीं है, जो एन प्लस 1/2 वेथ टर्म होगा वो मीडियन होगा। मतलब जैसे यहाँ पे कितना नंबर दिया हुआ है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, जैसे यहाँ पे 7 नंबर दिया हुआ है, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो अगर हम यहाँ पे 7 रखते हैं तो 7 प्लस 1/2 कितना आ जाएगा, 4। फोर्थ मतलब जो चौथा टर्म है वो मीडियन है, मतलब 1, 2, 3 ये जो चौथा टर्म है वो मीडियन होगा, न कि 4 मीडियन। तो उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे। और इवन नंबर के लिए तो हमने देखा ही नहीं, अगर इवन नंबर में है तो क्या करेंगे, जो एन बाई टू एथ टर्म है, मतलब जो एन बाई टू एथ टर्म होगा प्लस एन बाई टू प्लस 1 ये टर्म, इनका एवरेज, मतलब दूसरी डिवाइड कर देंगे। मतलब जो जैसे 8 नंबर हैं तो 8 में जो चौथे नंबर पे होगा और जो पांचवें नंबर पे वैल्यू है उनको पहले हम ऐड करेंगे, फिर उसको 2 से डिवाइड कर देंगे, तो वो हमारा मीडियन हो जाएगा। फिर आते हैं मोड पे। मोड क्या है, वैल्यू ऑफ द वेरिएट विच अकर्स मोस्ट फ्रिक्वेंटली, जिसका फ्रिक्वेंसी सबसे ज़्यादा हो उसे हम मोड बोलते हैं। मतलब जो किसी डाटा फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में सबसे ज़्यादा बार दिखता हो उसे हम मोड बोलते हैं। जैसे इस फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में ये जो 4 है 1, 2, 3 बार दिख रहा है, और इसके बाद 5 एक बार है, 6 2 बार है, तो सबसे ज़्यादा बार कौन है, 4। तो मोड क्या हो जाएगा, 4। तो ये मोड का यूज कहाँ कहाँ होता है, अगर हमें सूज का मॉडल क्लास साइज निकालना है तो मोड का यूज करते हैं। साइज ऑफ रेडीमेड गारमेंट के लिए अभी हम मोड का यूज करते हैं। बिजनेस और मेट्रोलॉजिकल फोरकास्टिंग में हम मोड का यूज करते हैं। फिर आते हैं हार्मोनिक मीन। यह हार्मोनिक मीन क्या है फ्रेंड्स, हार्मोनिक मीन को भी देख लिया जाए। हार्मोनिक मीन है रेसिप्रोकल ऑफ अरिथमेटिक मीन ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन। तो आप लोग अगर लिख रहे हैं, मतलब देख रहे हैं, तो वहाँ पे लिख लीजिएगा रेसिप्रोकल ऑफ अरिथमेटिक मीन ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन। थोड़ा यहाँ पे लिखने में दिक्कत हो रहा है इसलिए नहीं लिख रहे हैं, आप लोग सुन के लिख लीजिएगा। तो ये निकालते कैसे हैं ये देख लिया जाए, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि जैसे हमारे पास कुछ नंबर दिए गए हैं उसे हमें ऐड करना है, मतलब उसका हार्मोनिक मीन निकालना है। तो हम क्या करेंगे, हार्मोनिक मीन इक्वल्स टू एन बाई समेशन 1/xi। तो जितने भी नंबर दिए हैं, जैसे x1 x2 x3 दिया गया है, तो सबसे पहले उसका रेसिप्रोकल करेंगे। तो जैसे हमने 1/x कर दिया, x दिया था 1/x कर दिया, फिर उसका समेशन करेंगे, और जो भी समेशन आएगा उसका हम अरिथमेटिक मीन निकालेंगे, और जो भी अरिथमेटिक मीन आएगा उसका रेसिप्रोकल कर देंगे। तो यह है हार्मोनिक मीन। अब कुछ एम्पिरिकल रिलेशन देखे जाएँ। एम्पिरिकल रिलेशन बिटवीन मीन मीडियन मोड, ये क्या क्या है। अगर सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन है, जैसे यहाँ पे दिया है, अगर सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन है तो मीन मीडियन मोड तीनों बराबर होगा, और अगर स्क्यू डिस्ट्रीब्यूशन मतलब एसिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन है तो मीन ये वाला फार्मूला बन जाएगा, मीन माइनस मोड इक्वल्स टू 3 मीन माइनस मीडियन। तो यहाँ से सिमेट्रिकल और एसिमेट्रिकल हो गया। अभी सिमेट्रिकल एसिमेट्रिकल क्या होता है अभी हम स्क्यूनेस में देख लेते हैं। फिर आते हैं मेजर ऑफ डिस्पर्सन पे। डिस्पर्सन क्या है, वेरिएशन ऑफ द वेरिएबल अबाउट द सेंट्रल वैल्यू। तो जो सेंट्रल वैल्यू है, जैसे मीन मीडियन मोड है, उससे वेरिएबल जो आपका वेरिएबल है वो कितना वेरी कर रहा है। मतलब अगर आपका मीन किसी का 5 आ रहा है और जो एक नंबर है वो उसमें 2 है, मीन कितना है 5 है और एक नंबर उसमें 2 है, तो ये मीन ये 2, 5 से कितना दूर है, 3 पॉइंट दूर है। तो यही मेजर ऑफ डिस्पर्सन है, मतलब वो सेंट्रल वैल्यू से कितना दूर है। अब डिस्पर्सन मेजर करने के लिए 2 टाइप्स के हैं डिस्पर्सन मेजर करने का, एब्सोल्यूट मेजर, रिलेटिव मेजर। तो एब्सोल्यूट मेजर में क्या कहा है, सबसे पहले रेंज क्या है, सिंपलेस्ट मेजर ऑफ डिस्पर्सन,
मतलब सबसे सिंपल है कैलकुलेशन करना, रेंज का फार्मूला क्या है, लार्जेस्ट वैल्यू माइनस स्मॉलेस्ट वैल्यू। तो जो सबसे लार्जेस्ट डाटा फ्रिक्वेंसी में सबसे जो लार्जेस्ट वैल्यू होगी उसको स्मॉलेस्ट वैल्यू से माइनस कर देंगे तो रेंज निकल जाएगा। और कुछ प्रॉपर्टीज़ ऑफ रेंज देखा जाए क्या क्या हैं, कोफिशियंट ऑफ रेंज निकालने के लिए क्या करेंगे, एल माइनस एस डिवाइडेड बाई एल प्लस एस, यहाँ पे एल क्या है लार्जेस्ट वैल्यू, एस क्या है स्मॉलेस्ट वैल्यू। क्वार्टाइल रेंज निकालने के लिए क्या करेंगे, क्यू थ्री माइनस क्यू वन, और कोफिशियंट ऑफ क्वार्टाइल रेंज निकालने के लिए क्यू थ्री माइनस क्यू वन अपॉन क्यू थ्री प्लस क्यू वन। तो यहाँ पे केवल फार्मूला याद कर लीजिए, इससे ज़्यादा कुछ नहीं पूछा जाता है। फिर आते हैं मीन डेविएशन, मीन डेविएशन के फार्मूला पे, मीन डेविएशन क्या है कि जो नंबर है, डेविएशन मतलब क्या हुआ था, सेंट्रल वैल्यू से डेविएट हो जाना, डेविएशन का मतलब क्या है अपने सेंट्रल वैल्यू से डेविएट हो जाना। तो यहाँ पे मीन डेविएशन है मतलब यहाँ पे सेंट्रल वैल्यू क्या है मीन, तो मीन से जो नंबर है वो कितना डेविएट हो गया है। तो मीन डेविएशन का फार्मूला क्या बनेगा, समेशन ऑफ एक्स आई मतलब जो नंबर है माइनस एक्स बार ये ब्रैकेट में डिवाइडेड बाई एन। तो जितने भी नंबर हैं सबको हम पहले उसके मीन से माइनस करेंगे, फिर इसको ऐड करेंगे, फिर जितने भी टोटल नंबर हैं उसे डिवाइड कर देंगे, तो हमारा मीन डेविएशन निकल जाएगा। फिर स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है, इसको रूट मीन स्क्वायर डेविएशन भी बोलते हैं, इसका फुल फॉर्म मतलब इसका डेफिनेशन क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस। ये अरिथमेटिक मीन नहीं होगा यहाँ पे, यहाँ पे वेरिएंस होगा, यहाँ पे जो वेरिएंस लिखा हुआ है ना, ये वाला वेरिएंस, ये वाला वेरिएंस आप यहाँ पे लिख लीजिएगा, स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस को क्या बोलते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन। इसको कौन दिया है, कार्ल पियर्सन दिए हैं 1823 में। इसको ग्रीक वर्ड सिग्मा से दिखाया जाता है, सिग्मा का नोटेशन क्या है, ये सिग्मा। फिर स्टैंडर्ड डेविएशन का फुल फार्मूला क्या बना, अंडर रूट वेरिएंस। तो वेरिएंस हमेशा पॉजिटिव होता है, तो स्टैंडर्ड डेविएशन भी हमेशा पॉजिटिव होगा। और ये जो मेजर ऑफ डिस्पर्जन है, सबसे कॉमन मेथड ऑफ मेजर ऑफ डिस्पर्जन है स्टैंडर्ड डेविएशन। फिर आते हैं वेरिएंस को देखते हैं, द टर्म वेरिएंस प्रपोज्ड बाय आर ए फिशर। तो जो वेरिएंस टर्म है वो कौन दिया है, आर ए फिशर है। और ये वेरिएंस क्या है, ये है, ये रूट नहीं होगा यहाँ पे, वेरिएंस क्या है, स्क्वायर ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन नोन एज वेरिएंस। तो वेरिएंस क्या है, स्क्वायर ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन को हम वेरिएंस बोलते हैं। फिर आते हैं रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्जन को देखने, कोफिशियंट ऑफ वेरिएशन सबसे पहला है, कोफिशियंट ऑफ वेरिएशन इसको दिए थे कार्ल पियर्सन। और मोस्ट कॉमनली यूज मेजर ऑफ रिलेटिव वेरिएशन, मतलब रिलेटिव डिस्पर्जन में सबसे ज़्यादा कौन किसे यूज किया जाता है, कोफिशियंट ऑफ वेरिएशन को। और कोफिशियंट ऑफ वेरिएशन कैलकुलेट कैसे किया जाता है, सिग्मा अपॉन एक्स, सिग्मा डिवाइडेड बाई एक्स बार, मतलब ये एक्स बार क्या है, मीन है। और सिग्मा क्या है, स्टैंडर्ड डेविएशन, मतलब कोफिशियंट ऑफ वेरिएशन के लिए एस टी बाई मीन। और अगर हम स्टैंडर्ड डेविएशन को परसेंटेज में मेजर करेंगे तो उसे क्या बोलते हैं, कोफिशियंट ऑफ वेरिएशन, मतलब एस डी बाई मीन लिखा है इंटू 100 कर देंगे तो वो भी क्या होगा, कोफिशियंट ऑफ वेरिएशन। और अगर कोफिशियंट ऑफ वेरिएशन जितना ज़्यादा होगा, कोफिशियंट ऑफ वेरिएशन की वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी उतना ज़्यादा वेरिएबिलिटी होगी, और वेरिएबिलिटी होगी मतलब अगर नंबर्स के बीच में ज़्यादा वेरिएबल वेरिएबिलिटी है तो वो लेस होमोजेनियस होंगे, लेस होमोजेनिटी हो गया। और वही अगर कोफिशियंट ऑफ वेरिएशन कम होगा तो वेरिएबिलिटी कम होगी और वो ज़्यादा होमोजेनियस होंगे। फिर आते हैं स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन देखने, स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन SEM से डिनोट किया गया है, ये क्या है, जितने भी सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन है सबके मीन्स का स्टैंडर्ड डेविएशन, इसको क्या बोलते हैं, स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन। ये क्या किसका आइडिया देता है, ये गिवन डाटा या फिर सैंपल के वेरिएबिलिटी का आइडिया देता है। तो फिर आते हैं मोमेंट्स पे, मोमेंट्स का फॉर्मूला क्या है, फोर्स इनटू डिस्टेंस, फिजिक्स वाला फोर्स इनटू डिस्टेंस क्या है, मोमेंट्स बोलते हैं मोमेंट्स को। और मोमेंट्स का स्टैटिक्स में क्या यूज है, ये जो मोमेंट्स होता है वो फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के वेरियस करेक्टरिस्टिक्स को डिस्क्राइब करता है, जैसे कैसे कैसे करेक्टरिस्टिक्स को, सेंट्रल टेंडेंसी को, क्योंकि सेंट्रल टेंडेंसी म्यू वन से दिखाया जाता है, म्यू क्या है,
मूवमेंट है, वेरियंस को म्यूटू से, स्क्यूनस को म्यूथ्री से, कटोसिस को म्यूफोर से। तो ये याद रख लीजिएगा कि किसको किससे दिखाया जाता है। और अगर सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन है तो जितने भी ऑड मूवमेंट्स वाले हैं, जैसे 1, 3, 5 वाले मूवमेंट्स हैं, वो सब जीरो के बराबर होते हैं। मी वन, मी थ्री, मी फाइव वुड बी ऑलवेज इक्वल टू जीरो। क्यों? क्योंकि जो पॉजिटिव डेविएशन और निगेटिव डेविएशन मतलब सिमेट्री से होगा, वो सब बराबर होंगे और एक दूसरे को कट करके जीरो कर देंगे। क्या मतलब है? जैसे अगर सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन होता है तो जो हम पॉजिटिव डेविएशन निकालेंगे तो आता है, मतलब ये एग्जांपल की तरह -2 आया, -3, ये है निगेटिव डेविएशन, और पॉजिटिव डेविएशन कितना आएगा? +2, +3। तो ये जब चारों को ऐड करेंगे तो ये जीरो के बराबर आ जाता है। तो यही यहाँ पे कहा गया है डिफरेंस बिटवीन रॉ मूवमेंट एंड सेंट्रल मूवमेंट। तो रॉ मूवमेंट को हम आर्बिट्रेरी मीन भी कहते हैं, सेंट्रल मूवमेंट को सेंट्रल मीन भी कहते हैं। रॉ मूवमेंट को हम μ-r से दिखाते हैं, मतलब म्यू के ऊपर एक छोटा सा डैश टाइप का लगा होता है, और सेंट्रल मूवमेंट में μ-r दिखाते हैं। और ये जो रॉ मूवमेंट है उसको हम किसी पॉइंट के अबाउट कैलकुलेट करते हैं, और सेंट्रल मूवमेंट को हम मीन के अबाउट कैलकुलेट करते हैं। और सेंट्रल मूवमेंट को कैलकुलेट करने में ज़्यादा टाइम लगता है। फर्स्ट रॉ मूवमेंट अबाउट किसी पॉइंट एक एक मतलब देखेंगे तो वो जीरो के बराबर आता है, और ये मीन के बराबर होता है। तो फर्स्ट रॉ मूवमेंट किसके बराबर है? मीन के बराबर है। और फर्स्ट सेंट्रल मूवमेंट किसके बराबर है? जीरो के। अगर ओरिजिन चेंज होगा तो रॉ मूवमेंट भी चेंज हो जाता है, और अगर ओरिजिन चेंज होता है तो सेंट्रल मूवमेंट पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। फिर एक और चीज़ देखा जाए कि जो सेंट्रल मूवमेंट है उसके कैलकुलेशन में ज़्यादा टाइम लगता है। क्यों ज़्यादा टाइम लगता है? तो यहाँ पे दिया हुआ है कि सबसे पहले हमको रॉ मूवमेंट कैलकुलेट करना होगा, तो सेंट्रल मूवमेंट के लिए हमें सबसे पहले रॉ मूवमेंट कैलकुलेट करना होगा, तो रॉ मूवमेंट में भी ज़्यादा टाइम लगेगा। फिर उसके बाद हम फार्मूला से सेंट्रल मूवमेंट को कैलकुलेट करेंगे। तो रॉ मूवमेंट का कैलकुलेट करने का क्या फार्मूला है? अर्थ मूवमेंट अबाउट एनी आर्बिट्रेरी पॉइंट ए इज डिफाइंड एज μ-r इक्वल्स टू 1/n समेसन fi माइनस ब्रैकेट में xi माइनस a के पावर r। तो यहाँ पे a के पावर में r दिया है, तो ये फार्मूला आप लोग देख लीजिए। सेंट्रल मूवमेंट, ये सब फार्मूला याद करना बहुत जरूरी है। अर्थ मूवमेंट अबाउट मीन, x इज डिफाइंड एज μ-r इक्वल्स टू, यहाँ पे डैश नहीं रहेगा, 1/n से समेसन fi माइनस xi माइनस x के पावर, क्या है x के पावर r। तो यहाँ पर भी x के पावर r है, ये आप लोग याद रखिएगा। अब अगर हमें वैल्यू ऑफ म्यू जीरो निकालना है, वैल्यू ऑफ म्यू जीरो मतलब आर की जगह अगर हम जीरो रख के वैल्यू निकालेंगे तो देखिए क्या आता है, 1/n fi x1 माइनस x बार के, ये जो x यहाँ पे लिखा है वो मीन है। फिर आर की जगह हम जीरो रख दिए तो कितना वैल्यू आई? 1। ये कैसे आया, क्यों आया, ये इस पर ज़्यादा ध्यान मत दीजिए, बस याद कर लीजिए कि म्यू जीरो का वैल्यू कितना होता है? 1। तो जीरो सेंट्रल मूवमेंट किसके बराबर है? 1 के बराबर है। और फर्स्ट सेंट्रल मूवमेंट देखेंगे, मतलब आर की जगह अगर हम 1 रखते हैं तो कितनी वैल्यू आती है? 0। वही बात फिर से, कैसे आया इस पर ज़्यादा ध्यान मत दीजिए, बस याद कर लीजिए, फर्स्ट सेंट्रल मूवमेंट 0 के बराबर है, और फर्स्ट रॉ मूवमेंट किसके बराबर होता है? 0 के बराबर नहीं होता है, ये मीन के बराबर होता है। फर्स्ट रॉ मूवमेंट मीन के बराबर होता है। वैल्यू ऑफ सेकेंड सेंट्रल मूवमेंट, मतलब आर की जगह 2 रखते हैं तो ये सिग्मा स्क्वायर आएगा, मतलब सिग्मा स्क्वायर किसके बराबर होता है? वेरियंस। तो वेरियंस क्या है? स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर। तो यही है वेरियंस। सेकंड मूवमेंट गिव्स एन, मतलब ये वेरियंस जो है वो एक मेजर ऑफ डिस्पर्जन है, तो जो सेकंड सेंट्रल मूवमेंट है वो मेजर ऑफ डिस्पर्जन का कुछ आइडिया हमें देता है। वैल्यू ऑफ थर्ड सेंट्रल मूवमेंट किसके बराबर होगा? म्यू थ्री इक्वल्स टू, अगर आर की जगह 3 रखेंगे तो ये स्क्यूनेस के बराबर आ जाएगा। तो म्यू थ्री क्या है? ये हमें स्क्यूनेस क्या होता है? सिमेट्रिकल नॉन सिमेट्रिकल का आइडिया देता है। तो ये जो म्यू थ्री है वो हमें सिमेट्रिकल या फिर नहीं सिमेट्रिकल है कर्व, उसके बारे में आइडिया देता है। और अगर हम फोर्थ सेंट्रल मूवमेंट देखते हैं, मतलब आर की जगह 4 रखते हैं, तो वो कर्टोसिस के बराबर आएगा, मतलब प्लेटिने पिकडिनेस है, फिर फ्लैटिनेस है, इस तरह से कुछ आइडिया देगा। फिर आते हैं स्क्यूनेस पे। स्क्यूनेस क्या है? तो स्क्यूनेस में देयर आर टू टाइप्स ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन 2 प्रकार के होते हैं, सिमेट्रिक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, एसिमेट्रिक। अगर सिमेट्रिक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है तो मीन, मीडियन, मोड तीनों बराबर होंगे, और अगर एसिमेट्रिक है तो मीन, मीडियन, मोड तीनों बराबर नहीं होंगे, बराबर नहीं होंगे। और जो क्वार्टाइल्स हैं वो मीडियन से इक्विडिस्टेंस पे नहीं रहेंगे। तो जो यहाँ पे Q3 माइनस मीडियन है वो मीडियन माइनस Q1 के बराबर नहीं होगा। फिर क्या है? जो कर्व है इज मोर इंक्लाइंड इन वन साइड देन अदर। अभी देखते हैं ऐसा क्यों है, अभी आगे इसे भी देख लेंगे। जो कर्व है वो इंक्लाइंड नहीं होता है, एक साइड ज़्यादा इंक्लाइंड होता है। सम ऑफ पॉजिटिव डिवीजन फ्रॉम मीडियन इज नॉट इक्वल टू सम ऑफ नेगेटिव डिवीजन फ्रॉम मीडियन। मतलब मीडियन से अगर हम
पॉजिटिव डिविशन निकाले हैं उसका सम करेंगे, और फिर मीडियम से ही हम नेगेटिव डिविशन जो निकाले हैं उसका सम करेंगे, ये दोनों बराबर नहीं होते हैं। अब जैसे यहाँ पे सिमेट्रिक फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन दिया है, तो सिमेट्रिक फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या हुआ, जैसे ये ग्राफ पे ये बेल शेप का बनेगा, बेल शेप मतलब जैसे मंदिर में घंटा होता है, ये इस तरह का अगर ग्राफ है तो ये सिमेट्रिक माना जाएगा। और ये सिमेट्रिक क्या होगा, जैसे ये एक साइड मतलब ज़्यादा इसका जो टेल है वो एक्सटेंड हो जाएगा, जैसे ये ऐसे हो जाएगा, अगर यही सिमेट्रिक रहता तो ये यहाँ पे रहता। तो उम्मीद है आप लोग ये भी समझे होंगे। फिर डेफिनेशन देखते हैं स्क्यूनेस का, ये क्या है। स्क्यूनेस में भी डिफाइंड है डिपार्चर फ्रॉम सिमेट्री और लैक ऑफ सिमेट्री ऑफ फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। जैसे जो सिमेट्री होता है, जैसे अभी हमने ऊपर देखा था ये जो ये बेल शेप का सिमेट्री है, इससे इससे अगर थोड़ा भी डिपार्चर होता है सिमेट्री से तो वो स्क्यूनेस में आ जाएगा। मतलब अगर ये इधर से यहाँ चला गया तो ये भी स्क्यूनेस हो सकता है, या फिर ये इधर से इधर चला गया तो ये स्क्यूनेस आ जाएगा। अब स्क्यूनेस दो प्रकार का है, पॉजिटिव स्क्यूनेस नेगेटिव स्क्यूनेस। तो पॉजिटिव स्क्यूनेस या फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आर स्क्यूनेस इज सेड टू बी पॉजिटिव इफ द फ्रिक्वेंसी कर्व हैज लॉन्गर टेल ऑन द राइट हैंड साइड एज कम्पेयर टू लेफ्ट हैंड साइड। अब यहाँ पे क्या है, एग्जाम्पल के थ्रू देखेंगे तभी याद आएगा। तो देखिए देखिए ये है, इसमें लिखा है कि जो फ्रिक्वेंसी कर्व है उसका जो लॉन्गर टेल है वो राइट हैंड की साइड की तरफ ज़्यादा झुक जा रहा है। तो जैसे ये है, ये जो अभी हमने ऊपर दिखाया है ये राइट हैंड साइड हो गया, इसका जो टेल है मतलब ये जो अभी टेल नीचे आने वाला है वो राइट हैंड साइड, ये लेफ्ट हैंड साइड है और ये राइट हैंड साइड है, तो इधर ज़्यादा झुक जाएगा, मतलब ये इस तरफ चला जाएगा। तो ये है, समझ गए आप लोग। और पॉजिटिव स्क्यूनेस का, अगर पॉजिटिव स्क्यूनेस है तो फार्मूला क्या बनेगा, मतलब सबसे बड़ा मीन होगा, फिर मीडियन होगा, फिर मोड होगा। तो पॉजिटिव स्क्यूनेस में सबसे बड़ा क्या होता है, मीन होता है। फिर नेगेटिव स्क्यूनेस में क्या है, जो फ्रिक्वेंसी कर्व है वो लेफ्ट हैंड साइड की तरफ झुक जाता है। तो क्या मतलब है, ये हमारा ग्राफ ऐसे बनेगा, इसमें ये लेफ्ट हैंड साइड है, ये राइट हैंड साइड, तो नेगेटिव में क्या होगा, ये नेगेटिव इस तरह चला जाएगा। नॉर्मली क्या रहता है, नॉर्मली ऐसे रहता है, लेकिन ये लेफ्ट हैंड साइड की तरफ झुक गया इसका जो टेल है। अब इसमें क्या फार्मूला बनेगा, नेगेटिव स्क्यूनेस में मोड मीडियन से ज़्यादा होगा, या फिर मोड सबसे ज़्यादा होगा, मोड सबसे ज़्यादा होगा, फिर मीडियन, फिर मीन। तो नेगेटिव स्क्यूनेस में सबसे ज़्यादा कौन है, मोड, मतलब उल्टा हो गया। तो फिर आते हैं मेजर ऑफ स्क्यूनेस पे, स्क्यूनेस को कैसे मेजर करते हैं। तो इसको प्रोफेसर कार्ल पियर्सन दिए थे, इस कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस को मेजर करने के लिए फार्मूला। फार्मूला क्या है, स्क्यूनेस इक्वल्स टू मीन माइनस मोड अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन। ये फार्मूला है, याद कर लीजिए, बेस्ड ऑन मूवमेंट पे। अगर मूवमेंट के बेसिस पे कैलकुलेट करना है तो स्क्यूनेस को कैसे कैलकुलेट करेंगे, म्यू थ्री स्क्वायर डिवाइडेड बाई म्यू टू पावर थ्री गामा वन, या फिर आर को कैसे कैलकुलेट करेंगे, अंडर रूट बी वन बीटा वन। कर्टोसिस बीटा टू को कैसे कैलकुलेट करेंगे, म्यू फोर डिवाइडेड बाई म्यू टू का स्क्वायर। और गामा टू को कैसे करेंगे, बीटा माइनस थ्री। ये सब क्या है, कैसे आया ये फार्मूला, इस पर ज़्यादा ध्यान मत दीजिए, इसे बस याद कर लीजिए। अगर सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन है तो बीटा वन की वैल्यू कितनी होगी, जीरो, बीटा टू की वैल्यू थ्री, स्क्यूनेस की वैल्यू थ्री। ये बीटा टू क्या है, बीटा टू है कर्टोसिस, और बीटा वन क्या है, स्क्यूनेस। फिर आते हैं कर्टोसिस पे, ये क्या है, डिग्री ऑफ फ्लैटनेस ऑफ पिकनेस ऑफ फ्रिक्वेंसी, मतलब फ्रिक्वेंसी कर्व जो है वो फ्लैट है या फिर पिकनेस, ये इसको दिखाता है। अभी एग्जांपल देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। कर्टोसिस को कैसे दिखाते हैं, बीटा टू से। तीन टाइप्स ऑफ कर्टोसिस होते हैं, लेप्टोकर्टिक, मेसोकर्टिक, प्लेटिकर्टिक। जब बीटा टू मोर देन थ्री होगा तो लेप्टोकर्टिक, बीटा टू इक्वल्स टू थ्री तो मेसोकर्टिक, बीटा टू लेस देन थ्री तो प्लेटिकर्टिक। अब इसका क्या मतलब है, ये देखा जाए, जैसे लेप्टोकर्टिक में नैरो पीक बनेगा, मेसोकर्टिक में नॉर्मल कर्व बनेगा, प्लेटिकर्टिक में फ्लैट पीक बनेगा। अब एग्जाम्पल की तरह देखा जाए, जैसे ये एक हमने ले लिया, ये है नॉर्मल बेल शेप्ड कर्व, ये कोई स्टैंडर्ड हाइट पे, ये है मेसोकर्टिक। तो सबसे बेस्ट क्या है, मेसोकर्टिक, ये है मेसोकर्टिक, एम से लिख दे रहे हैं मेसोकर्टिक, इसमें बीटा टू इक्वल्स टू थ्री होगा। अब प्लेटिकर्टिक क्या हो जाएगा, ये रहा कर्व, ये प्लेटिकर्टिक में फ्लैट बनेगा, मतलब ये मेसोकर्टिक वाले से तो कम ही रहेगा क्योंकि बीटा टू लेस देन थ्री है, तो इसका जो हाइट है वो मेसोकर्टिक से कम होगा, लेस देन स्टैंडर्ड हाइट, लेस देन स्टैंडर्ड हाइट। और ये क्या है, पी से प्लेटिकर्टिक। और फिर ये लेप्टोकर्टिक क्या हो जाएगा, इसकी जो हाइट है वो इससे बड़ी हो जाएगी, मतलब मोर देन स्टैंडर्ड हाइट, मेसोकर्टिक के हाइट से भी बड़ी हो जाएगी, ये है लेप्टोकर्टिक, इसमें बीटा टू इज़ मोर देन थ्री। तो यही इसका ग्राफ है, इसके ग्राफ को आप लोग अच्छे से देखिएगा। फिर आते हैं डिस्ट्रीब्यूशन पे, डिस्ट्रीब्यूशन थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ, मतलब थ्योरेटिकली डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो दो प्रकार के हैं, डिस्ट्रीब्यूशन डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन और कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन।
तो डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, इसमें जो एक्स होता है वो कोई भी इंटीजर वैल्यू ले सकता है, 0, 1, 2, 3, 4, 5 कुछ भी ले सकता है। अब डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन में कौन कौन से आते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन और पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन, इसे याद कर लीजिए। कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन में एक्स जो होगा वो किसी गिवन रेंज के अंदर का वैल्यू लेगा, मतलब 1 से 10 का रेंज दे दिया, अब उसके 2 ले सकता है, 3 ले सकता है, 11 नहीं ले सकता क्योंकि वो रेंज के बाहर हो जाएगा। तो कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन का एग्जाम्पल क्या होगा, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। फिर आते हैं बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन पे, इसको कौन दिया था, जेम्स बर्नौली 1780 में दिए थे। कब हम बोलेंगे ये बाइनोमियल ट्रायल है, जब ए ट्रायल इज नोन एज बर्नौली ट्रायल इफ इट हैज ओनली 2 आउटकम्स नेमली सक्सेस एंड फेल्योर्स, मतलब जो हम इवेंट कर रहे हैं उसके अंदर केवल 2 आउटकम होंगे, या तो वो फेल होगा या तो वो सक्सेस होगा, तो हम बोलेंगे वो कि वो बर्नौली ट्रायल है। और हम दिखाएंगे कैसे प्रोबेबिलिटी पी एंड क्यू से, मतलब पी मतलब क्या हो गया, सक्सेस हो गया, क्यू मतलब फेल्योर हो गया, और दोनों का प्रोबेबिलिटी किसके बराबर होगा, 1:1 के बराबर। फिर कुछ डेफिनेशंस देखे जाएं, रैंडम वेरिएबल एक्स सेट टू हैव बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, तो ये बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का डेफिनेशन देखते हैं। किसी रैंडम वेरिएबल को हम बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन कब कहेंगे, इफ इट एज्यूम्स ओनली नॉन नेगेटिव वैल्यूज, जब वो केवल नॉन नेगेटिव वैल्यूज को ही एज्यूम करेगा, और उसका जो प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन है वो ये होगा पी एक्स इक्वल्स टू एन बाई एक्स पी के पावर एक्स इंटू क्यू के पावर एन माइनस एक्स, इस तरह से होगा, तो हम उसे बोलेंगे कि वो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो कर रहा है। नॉन नेगेटिव वैल्यूज मतलब वो हमेशा पॉजिटिव वैल्यूज पे ही ध्यान देगा, एक्स यहाँ पे 0, 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे होगा, माइनस में नहीं जाएगा। एन क्या है यहाँ पे, नंबर ऑफ ट्रायल है, और एक्स क्या है, नंबर ऑफ सक्सेस ऑफ एन ट्रायल, तो जो हम जितनी बार ट्रायल किए हैं उसमें कितना सक्सेस आया है वो एक्स दिखाएगा। पी क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस है, क्यों क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर, इसको 1 से माइनस कर देंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस है तो भी क्यों निकल जाएगा, और प्रोबेबिलिटी ऑफ पी प्लस क्यू कितने के बराबर होता है, 1 के बराबर। और अगर हम एन इंटू पी करते हैं तो ये क्या है, मतलब एन पी जो है वो सब बर्नौली बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का एक पैरामीटर्स हैं, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन को मेजर करने के लिए प्रॉपर्टीज ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, उसमें क्या है, ये जितने भी दिए हैं सब बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के प्रॉपर्टीज़ हैं। तो अरिथमेटिक मीन मतलब म्यून कितना बराबर होगा एन पी के, एन पी क्या है ये हमने ऊपर देख लिया। वेरियंस म्यू टू किसके बराबर होगा, एन पी क्यू, स्क्यूनियस म्यू थ्री किसके बराबर होगा, एन पी क्यू ब्रैकेट में क्यू माइनस पी के बराबर। कर्टोसिस किसके बराबर होगा, एन पी क्यू ब्रैकेट 1+3 एन माइनस टू पी क्यू, मतलब जो फार्मूला दिया है उसके बराबर यह है। स्टैंडर्ड डेविएशन किसके बराबर है, अंडर रूट एन पी क्यू इन केस ऑफ बी डी, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये पूछा गया था, इसी से रिलेटेड पूछा गया था। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में मीन इज मोर देन वेरियंस होगा, या फिर मीन इक्वल्स टू वेरियंस होगा, या फिर मीन इज लेस देन वेरियंस, तो यह एग्जाम्पल में सी यू टी के पूछा गया था, तो ये आप लोग याद रखेगा कि बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में मीन इज मोर देन वेरियंस होता है। फिर आते हैं पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन में, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन कौन दिया था, एस डी पॉइजन इसको दिया था डेफिनेशन। फिर कुछ ये लिमिटिंग केस ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है, जैसे कि एन टेंस टू इन्फिनिटी की तरफ, पी टेंस टू जीरो की तरफ, एंड एन पी इक्वल्स टू एम के बराबर होता है। फिर देखते हैं, देयरफॉर ए वेरिएबल एक्स इज सेड टू बी पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब किसी वेरिएबल एक्स को हम पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो कर रहे हैं, कब कहेंगे, जब वो केवल निगेटिव वैल्यूज को एज्यूम करता हो, और उसका प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन क्या हो, ये पी एक्स इक्वल्स टू ई की पावर माइनस लेमडा एक्स इंटू लेमडा की पावर एक्स डिवाइडेड बाई एक्स, तो अगर ये फॉलो कर रहा है तो हम उसे बोलेंगे कि वो पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करता है। यहाँ पे लेमडा क्या है, पैरामीटर्स ऑफ पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन, और लेमडा इज ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो, एक्स क्या है नंबर ऑफ सक्सेस, ई कितना है 2.718 के बराबर ई की वैल्यू होती है। एग्जाम्पल्स ऑफ पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन मतलब ये अभी हमने देखा था कि ये निगेटिव वैल्यूज को ज़्यादा प्रेफरेंस देता है। नंबर ऑफ डेथ फ्रॉम ए डिजीज मतलब ये कितना निगेटिव बात है, तो मतलब इसी तरह से निगेटिव इसमें बातें होती रहती हैं। नंबर ऑफ डिफेक्टिव मटेरियल्स मतलब हमारे पास 2 मटेरियल आया, जैसे हमने कुछ ऑर्डर किया और वो डिफेक्टिव निकल गया, तो वो क्या है वहाँ निगेटिव, हमारे दिमाग में निगेटिव बातें आने लगेंगी। नंबर ऑफ रॉन्ग कॉल्स रिसीविंग अमाउंट, ये भी निगेटिव बातें है। प्रॉपर्टीज ऑफ पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन मतलब मीन, म्यून किसके बराबर होता है लेमडा के, वेरियंस म्यू टू लेमडा के, ये पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन की प्रॉपर्टी है। म्यू थ्री किसके बराबर होगा लेमडा के, म्यू फोर किसके होगा 3λ² + λ, इन केस ऑफ पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन मीन इक्वल्स टू वेरियंस, और बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में क्या था मीन इज मोर देन वेरियंस, तो ये याद जरूर रखिएगा, ये पूछा जाता है एग्जाम में। पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ कहाँ यूज करते हैं, थ्योरी ऑफ गेम्स में यूज करते हैं, वेटिंग टाइम में, प्रॉब्लम्स ऑफ बिजनेस में पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन को यूज करते हैं।
पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन टेंस टू नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन व्हेन लैम्डा टेंस टू इन्फिनिटी। तो जब लैम्डा इन्फिनिटी की तरफ जाता है तो जो पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन है वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की तरफ जाता है। कोफिशियंट ऑफ पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन बीटा वन किसके बराबर है, वन बाय लैम्डा के। बीटा टू किसके बराबर है, थ्री प्लस वन बाय लैम्डा, थ्री प्लस वन बाई लैम्डा। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन देखते हैं, इसको दिए थे डी मोवरी 1733 में। इसको गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन भी कहते हैं। इसका डेफिनेशन क्या है, कब हम कहेंगे कि ये जो वेरिएबल एक्स है वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो कर रहा है। विथ पैरामीटर मीन एंड वेरियंस, मतलब जब ये जो वेरिएबल एक्स है ये इस फार्मूला को फॉलो करे, पी एक्स इक्वल्स टू वन बाई सिग्मा अंडर रूट टू पाई इंटू ई के पावर माइनस वन बाई टू, फिर ये ब्रैकेट एक्स माइनस म्यू के पावर डिवाइड बाई सिग्मा पावर स्क्वायर। ये तो ये फार्मूला याद करने की जरूरत नहीं है, ये जब हमें पूछेंगे नहीं, और पूछ भी देंगे तो गलत ही हो जाएगा, तो इसे याद ही रख लीजिएगा। तो प्रॉपर्टीज़ ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन देखा जाए, ये क्या होता है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं। तो जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का कर्व होता है वो बेल शेप्ड का होता है, मतलब मंदिर के घंटे जैसा होता है। और ये जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है वो मीन के अबाउट सिमेट्रिक होता है, और इसमें क्या है, मीन मीडियन मोड तीनों बराबर होते हैं, और जो क्वार्टाइल्स है वो मीडियम से इक्वी डिस्टेंस पे होते हैं, मतलब Q3 माइनस Q2 इक्वल्स टू Q2 माइनस Q1। कोफिशियंट ऑफ स्क्यूनेस फॉर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कितना है, ये 0 के बराबर होता है। कोफिशियंट ऑफ कर्टोसिस फॉर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन ये लगभग 3 है, मतलब 3 ही होता है। और रेंज ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कितना होगा, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी की तरफ। लेकिन प्रैक्टिकली रेंज कितने के बराबर होता है, 6 सिग्मा। यहाँ पे सिग्मा क्या है, स्टैंडर्ड डेविएशन। मीन डेविएशन अबाउट मीन कितना होगा, 4/5 सिग्मा। क्वार्टाइल डेविएशन कितना होगा, 2/3 सिग्मा। तो ये सब याद करने लायक है, इसे याद कर लीजिए, छोड़िएगा मत। फिर आते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का क्या इंपॉर्टेंट है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का इंपॉर्टेंट है लार्ज एप्लीकेशन इन स्टैटिक्स, क्वालिटी कंट्रोल एंड इंपॉर्टेंट एरिया ऑफ स्टैटिक्स यूज्ड इन इंडस्ट्री फॉर सेटिंग कंट्रोल में। मतलब ये स्टैटिक्स में क्वालिटी कंट्रोल के लिए इसका एप्लीकेशन होता है, और इंडस्ट्रीज में कंट्रोल लिमिट को सेटवेट करने के लिए होता है। तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसे नहीं पूछेंगे। क्या होता है, कोरिलेशन पे आते हैं। कोरिलेशन क्या है, लीनियर रिलेशनशिप आर एसोसिएशन बिटवीन टू वेरिएबल्स। मतलब ये जो कोरिलेशन है वो दो वेरिएबल्स के बीच में लीनियर रिलेशनशिप को दिखाता है। और अगर कोई दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, मतलब दो ऐसे वेरिएबल हैं जो कि डिपेंडेंट नहीं है, इंडिपेंडेंट है, तो वो अनकोरिलेटेड होंगे। और मेजरमेंट ऑफ कोरिलेशन को क्या बोलते हैं, कोरिलेशन कोफिशियंट, जो कि जिससे कि स्मॉल आर से दिखाते हैं, इसको कोरिलेशन इंडेक्स भी बोलते हैं। और रेंज ऑफ कोरिलेशन कितना होता है, +1 से -1। तो रेंज जरूर याद रखिएगा, ये पूछ देते हैं। टाइप्स ऑफ कोरिलेशन में पॉजिटिव या नेगेटिव कोरिलेशन। पॉजिटिव नेगेटिव कोरिलेशन में क्या है, जैसे हमने पहले बोला था कि ये कोरिलेशन अभी बाद में आएगा तो हम पढ़ाएंगे, बोलते हैं। तो पॉजिटिव कोरिलेशन में इफ बोथ, पॉजिटिव क्या है, इफ बोथ वेरिएबल्स आर वेरिंग इन द सेम डायरेक्शन, वन इज इंक्रीजिंग द अदर ऑल्सो इंक्रीजिंग एंड वाइस वर्सा, देन इट इज नोन एज पॉजिटिव कोरिलेशन। मतलब अगर एक जो दोनों वेरिएबल हैं अगर सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, क्या मतलब है, अगर एक वेरिएबल इंक्रीज कर रहा है और उसके साथ साथ दूसरा वेरिएबल भी इंक्रीज करने लगा, तो वो होगा पॉजिटिव कोरिलेशन। और इसका एग्जांपल क्या होगा, जैसे हमने माना, अगर हमने फर्टिलाइज़र ऐड किया, मतलब फर्टिलाइज़र को हमने इंक्रीज किया, और इसके साथ साथ जो हमारा यील्ड है, प्रोडक्शन, वो भी इंक्रीज हो गया, तो ये होगा पॉजिटिव कोरिलेशन। और नेगेटिव कोरिलेशन क्या होगा, इफ बोथ वेरिएबल्स आर वेरिंग इन अपोजिट डायरेक्शन, अगर अपोजिट डायरेक्शन में होंगे तो नेगेटिव, वन वेरिएबल इंक्रीजिंग अदर इज डिक्रीजिंग, तो ये हो जाएगा नेगेटिव कोरिलेशन। तो चलिए इसका एक एग्जांपल देते हैं। जैसे हमने हमारा जो फील्ड है उसमें बहुत ही ज़्यादा फर्टिलाइज़र ऐड कर दिया, मतलब कुछ ज़्यादा अमाउंट में ही फर्टिलाइज़र को इंक्रीज कर दिया, उससे हुआ क्या कि हमारा जो यील्ड है, प्रोडक्टिविटी है, वो घट गई, मतलब दोनों अपोजिट डायरेक्शन में हो गए, तो ये नेगेटिव कोरिलेशन हो जाएगा। फिर आते हैं सिंपल पार्शियल एंड मल्टीपल कोरिलेशन पे। तो सिंपल कोरिलेशन क्या है, सिंपल कोरिलेशन में हम केवल दो वेरिएबल के बारे में स्टडी करते हैं, तो ये सिंपल कोरिलेशन। पार्शियल कोरिलेशन क्या है, इसमें हम दो से ज़्यादा वेरिएबल के स्टडी करते हैं, लेकिन केवल दो वेरिएबल ऐसे होंगे जो कि एक दूसरे को इन्फ्लुएंस करेंगे, और बाकी सारे वेरिएबल जो इन्फ्लुएंस कर रहे हैं वो कॉन्स्टेंट माने जाएंगे। मल्टीपल कोरिलेशन क्या है, 3 or more वेरिएबल्स आर स्टडी सिमल्टेनियसली, मतलब 3 या उससे ज़्यादा वेरिएबल को स्टडी करते हैं, तो वो मल्टीपल कोरिलेशन है। और एक लीनियर है नॉन लीनियर कोरिलेशन, ये क्या है, इफ द अमाउंट ऑफ चेंज इन वन वेरिएबल टेंस टू बी अ कांस्टेंट रेशियो टू द अमाउंट ऑफ चेंज इन अदर वेरिएबल इज नोन एज लीनियर कोरिलेशन। मतलब अगर किसी एक वेरिएबल के अमाउंट में कुछ चेंजेस होते हैं
और वो जो चेंज हो रहा है वो किसी दूसरे वेरिएबल में जो चेंज हो रहा है वो दोनों मतलब एक कांस्टेंट रेशियो बियर करते हैं, तो उसे बोलते हैं लीनियर कोरिलेशन। मतलब दोनों एक साथ, जैसे एक वेरिएबल में, जैसे इस वाले वेरिएबल में 2 यूनिट का चेंज हो रहा है और इस वाले वेरिएबल में 5 यूनिट का, मतलब इसके 2 यूनिट चेंज होने से इसका 5 यूनिट चेंज हुआ, तो जब इसका 4 यूनिट चेंज होगा तो इसका कितना हो जाएगा, 10। इसी तरीके से मतलब एक कांस्टेंट रेशियो की तरफ, इसमें डबल हो रहा है तो इसमें भी डबल का रेशियो हो रहा है, कांस्टेंट रेशियो में चेंजेस होंगे, तो उसे बोलेंगे लीनियर कोरिलेशन। और नॉन लीनियर कोरिलेशन कब बोलेंगे, जब रेशियो बियर नहीं करेगा विद अमाउंट ऑफ चेंज इन वेरिएबल, डज नॉट बियर कांस्टेंट रेशियो टू द अमाउंट ऑफ चेंज इन अदर वेरिएबल, इज नोन एज नॉन लीनियर कोरिलेशन। मतलब यहाँ पे कोई कोरिलेशन बियर नहीं करेगा इसको, तो इसमें क्या होगा, जैसे एक वेरिएबल में 1 यूनिट का चेंज हुआ और दूसरे में दो दो यूनिट का चेंज हुआ, फिर इसमें जब दूसरे यूनिट का चेंज हुआ तो इसमें हो सकता है 5 यूनिट का चेंज हो जाए। मतलब कोई अब इसमें रिलेशन नहीं बन रहा है, लीनियर रिलेशन नहीं बन रहा है, रेशियो नहीं बन रहा इसमें। और सबसे ज़्यादा ये देखा गया है, मतलब ज़्यादातर प्रैक्टिकल सिचुएशन में ये देखा गया है कि नॉन लीनियर रिलेशन ही दो वेरिएबल्स के बीच में लाई करता है। और अगर किसी वेरिएबल के बीच में कोई रिलेशनशिप नहीं है तो उसका कोरिलेशन कोफिशियंट कितना होगा, 0। अब आते हैं रिग्रेशन पे। रिग्रेशन क्या है, जो टर्म रिग्रेशन है उसे फर्स्ट कौन यूज़ किए थे, सर फ्रांसिस गैल्टन 1877 में। अब रिग्रेशन एनालिसिस क्या है, मैथमेटिकल एवरेज रिलेशनशिप बिटवीन टू आर मोर वेरिएबल। तो रिग्रेशन क्या है, मैथमेटिकल रिलेशनशिप बिटवीन टू आर मोर वेरिएबल। और कोरिलेशन क्या था, लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन। तो इन दोनों में यही अंतर है, लीनियर और मैथमेटिकल का रिलेशन जो है इसमें लीनियर भी हो सकता है, नॉन लीनियर भी हो सकता है। और ये जो रिग्रेशन है इसके लाइन का कुछ इक्वेशन बनता है, वाई इक्वल्स टू ए प्लस वी एक्स। और रेंज ऑफ रिग्रेशन कितना होता है, प्लस इन्फिनिटी से माइनस इन्फिनिटी। और कोरिलेशन का कितना था, माइनस वन से प्लस वन। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ डाटा, मतलब डाटा को हम किस तरह से ट्रांसफॉर्म करेंगे, और ये ट्रांसफॉर्म कब करते हैं, व्हेन द डाटा डू नॉट फॉलो द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, वेरिएट एक्स आई वी ट्रांसफॉर्म टू सम न्यू वेरिएट एफ एक्स वन इन सच ए वे दैट एफ एक्स वन इज नॉर्मली इंडिपेंडेंट डिस्ट्रीब्यूटेड विथ मीन एंड। तो क्या है, जब हम डाटा जो लिए हैं वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो नहीं करता है तो ये उस डाटा को हम ट्रांसफॉर्म करते हैं। कैसे करेंगे, जो वेरिएट एक्स आई है उसको हम किसी नए वेरिएट एफ एक्स आई में ट्रांसफॉर्म करेंगे, और इस तरह से ट्रांसफॉर्म करेंगे कि जो एफ एक्स आई है वो मीन और वेरियंस के साथ नॉर्मली और इंडिपेंडेंटली डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो ये भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं था, इस पर अच्छा ध्यान मत दीजिए, डेफिनेशन नहीं पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव में, आप तो समझ सकते हैं, मतलब थोड़ा बहुत तो आता ही है, ऐसा नहीं है कि नहीं आता है। टाइप्स ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, कैसे कैसे ट्रांसफॉर्म करते हैं, स्क्वायर रूट ट्रांसफॉर्मेशन। तो मतलब जो हमारा एक्स नंबर है उसे उसका हम स्क्वायर रूट ले लेंगे इसमें। तो ये कब करते हैं, जब नंबर काफ़ी स्मॉल हो, जब डाटा हमारा काउंटेबल हो और काफ़ी स्मॉल हो, 0 से 10 के बीच में होगा, तभी हम ऐसा करेंगे। और इसमें जो डाटा है वो पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करेगा। और अगर हमें परसेंटेज डाटा के लिए करना है तो सभी वैल्यूज़ मोर देन 80% होने चाहिए। और ट्रांसफॉर्मेशन का ये फार्मूला क्या बनेगा, अंडर रूट एक्स, मतलब ये हो गया। फिर लॉगरिथमिक ट्रांसफॉर्मेशन में क्या है, एक्स का हम लॉग ले लेंगे। ये तब करते हैं जब काउंटेबल डाटा काफ़ी लार्ज हो और वैल्यूज़ भी काफ़ी लार्ज हो, तो ट्रांसफॉर्मेशन का फार्मूला क्या बनेगा, लॉग एक्स या फिर लॉग एक्स प्लस वन, एंगुलर आर शाइन ट्रांसफॉर्मेशन। तो इसमें हम जो एक्स है उसे एंगल में बनाएंगे, देखते हैं कैसे बनाते हैं हम। जब जो डाटा है वो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करता होगा, और वेन डाटा आर इन परसेंटेज बेस्ड ऑन काउंट वैल्यूज, मतलब परसेंटेज बेस पे होगा तो हम उसे एंगल वाला, ये कह दिया है, एंगुलर ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे। उसमें जो परसेंटेज है उसे हम डिग्री में ट्रांसफॉर्म कर देंगे, कैसे करेंगे, साइन इक्वल्स टू P/100, या P क्या है, P है परसेंटेज, और साइन क्या है, ये मैथमेटिकल ब्रांच वाले जानते होंगे, साइन कॉस थीटा जो होता है वही वाला साइन है। हाइपोथेसिस क्या होता है, अगर किसी पॉपुलेशन पैरामीटर के बारे में कोई स्टेटमेंट दिया गया होता है तो वो हाइपोथेसिस होता है। जैसे जैसे बिग बैंग थ्योरी है, मतलब प्रैक्टिकली उसके बारे में कुछ उतना ज्ञान नहीं हो, जैसे प्रैक्टिकली वो चीज़ ना हुई हो और उसके बारे में हमने कुछ स्टेटमेंट दे दिया हो कि ये शायद ऐसा होता होगा, तो उसे हम हाइपोथेसिस बोल देते हैं कि ये भाई हाइपोथेसिस है। और ये हाइपोथेसिस का टेस्ट कैसे करते हैं, दो तरीके से करते हैं, नल हाइपोथेसिस, स्टेटमेंट अबाउट पैरामीटर विच इज़ रिजेक्टेड अबाउट टेस्ट आफ्टर टेस्टिंग। मतलब हमने किसी पैरामीटर्स के लिए कुछ स्टेटमेंट दिया और जब हमने उसकी टेस्टिंग की तो वो जो पैरामीटर्स हम दिए थे, स्टेटमेंट दिए थे, वो रिजेक्ट हो गया, तो इसे हम बोल देते हैं नल हाइपोथेसिस। मतलब टेस्टिंग के बाद उस स्टेटमेंट को रिजेक्ट कर देना, तो उसे बोलते हैं नल हाइपोथेसिस। नल हाइपोथेसिस कौन दिया है, RA Fisher दिए हैं इसको,
डिनोट कैसे करते हैं, एच नॉट से, इसको एच नॉट से मतलब डिनोट करते हैं। और ये जो है ये चीज़ था हाइपोथेसिस ऑफ नो डिफरेंस, तो ये नो डिफरेंस का हाइपोथेसिस है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट ये है कि कौन दिया है, और इस ये जो पहला वाला स्टेटमेंट था कहते हैं अल्टरनेट हाइपोथेसिस। अल्टरनेट हाइपोथेसिस क्या है, हाइपोथेसिस कॉन्ट्रेरी रिलेटेड टू नल हाइपोथेसिस, तो ये मतलब जो नल हाइपोथेसिस का एक अल्टरनेट ऑप्शन हो वही बोल देंगे अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। इसको कैसे डिनोट करते हैं, इसको डिनोट करते हैं एच वन से। अब टाइप ऑफ एरर, कितने टाइप ऑफ एरर होते हैं, तो टाइप फर्स्ट एरर, टाइप फर्स्ट एरर इसमें क्या है, इसको अल्फा से डिनोट करते हैं, अल्फा से इसको डिनोट करते हैं। इसमें क्या है कि रिजेक्टिंग एच नॉट व्हेन इट इज़ ट्रू, मतलब जो एच नॉट क्या होता है नल हाइपोथेसिस, तो जब नल हाइपोथेसिस ट्रू होता है उसे हम रिजेक्ट कर देते हैं। और एक्सेप्टिंग एच वन व्हेन इट इज़ फॉल्स, मतलब अल्टरनेट हाइपोथेसिस जब फॉल्स होता है उसे हम एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे यही मतलब है, इसको याद कर लीजिए टाइप वन एरर में क्या होता है। और टाइप टू एरर में क्या होता है, इसको हम बीटा से दिखाते हैं, बीटा से इसको दिखाते हैं एक्सेप्टिंग एच नॉट व्हेन इट इज़ फॉल्स। इसमें वही उल्टा हो गया उसका, उसमें हम इसमें क्या है एच नॉट जब फॉल्स है तो उसे हम एक्सेप्ट कर ले रहे हैं, और उसमें क्या था एच नॉट ट्रू था तो रिजेक्ट कर दे रहे थे। और रिजेक्टिंग एच वन व्हेन इट इज़ ट्रू, मतलब दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं। और इट इज़ मोर सीवियर देन टाइप वन एरर, तो जो टाइप टू एरर होता है वो ज़्यादा सीवियर प्रॉब्लम दे करता है टाइप वन एरर के मुकाबले। लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, ये क्या है, टाइप वन एरर के होने के चांस को ही हम लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस बोल देते हैं, मतलब टाइप वन एरर के मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी होने के चांस को हम लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस बोल दिए हैं। इसको कैसे डिनोट करते हैं, इसको डिनोट करते हैं अल्फा से। और ये कुछ फील्ड एक्सपेरिमेंट के लिए लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस कितना है, 5%। ये कुछ लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस दिया हुआ है, इसे आप लोग देख लीजिए। डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या है, डिफरेंस इन टोटल नंबर ऑफ आइटम एंड लीनियर कॉन्स्टेंट, तो जो टोटल नंबर ऑफ आइटम है और जो लीनियर कॉन्स्टेंट है मतलब बैरियर्स हैं उनके बीच के डिफरेंस को ही हम डिग्री ऑफ फ्रीडम बोलते हैं। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या है, एन क्या है यहाँ पे, टोटल नंबर ऑफ आइटम माइनस टोटल नंबर ऑफ कॉन्स्टेंट, तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, एन माइनस के। डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालना है तो एन माइनस के कर देंगे टोटल नंबर कॉन्स्टेंट, तो हमारा डिग्री ऑफ फ्रीडम निकल जाएगा। फिर आते हैं टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस, तो सबसे पहला टेस्ट क्या है, काई स्क्वायर टेस्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे बहुत बार पूछा गया है, अभी बीच के एग्जाम में इससे एक दो क्वेश्चन पूछे गए थे, मतलब CUET वाले एग्जाम में। इस काई स्क्वायर टेस्ट को सबसे पहले कौन यूज किया था, कार्ल पियर्सन 1900 में। इट इज़ यूज फॉर इन्यूमरेटेड आर नॉन पैरामेट्रिक क्वालिटेटिव डाटा इन मेंडेलियन आर पॉपुलेशन जेनेटिक्स, तो ये कुछ दिया हुआ है, मतलब पॉपुलेशन जेनेटिक्स, मेंडेलियन पॉपुलेशन जेनेटिक्स, क्वालिटेटिव डाटा, ये सब के लिए ये का स्क्वायर टेस्ट यूज किया जाता है। इसका रेंज कितना है, इसका रेंज है 0 से ∞। अब ये जो का स्क्वायर है इसका कुछ फार्मूला दिया हुआ है, समेसन ओ आई माइनस ई आई का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई ई आई, आपकी बुक में अच्छे से लिखा होगा वहाँ देख लीजिएगा। फार्मूला ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, फार्मूला नहीं पूछते हैं, अभी तक तो कभी नहीं पूछा गया है। अगर आपका किस्मत ख़राब है तो भाई मैं क्या करूँ। कंडीशन ऑफ फॉर अप्लाइंग का स्क्वायर टेस्ट, मतलब का स्क्वायर टेस्ट होने के लिए क्या क्या होना ज़रूरी है, जो टोटल सैंपल साइज है वो मोर देन 50 होना ज़रूरी है, मतलब मोर देन 50, या तो 50 या फिर 50, मोर देन 50 होना इसके लिए टोटल सैंपल साइज जरूरी है। और एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी ऑफ ईच एंड एवरी क्लास शुड नॉट बी लेस देन 5, तो जो प्रत्येक क्लास बनेगा, जो अलग अलग क्लासेस होंगे उसका फ्रीक्वेंसी कम से कम 5 या फिर उससे ज़्यादा होना ही चाहिए, उससे कम नहीं होना चाहिए। सैम्पल ऑब्जर्वेशन शुड बी इंडिपेंडेंट, जो सैम्पल ऑब्जर्वेशन होंगे वो सब इंडिपेंडेंट होंगे। और काई स्क्वायर को हम कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं, अगर हमें गुडनेस ऑफ फिट के लिए टेस्टिंग करनी है तो ये काई स्क्वायर यूज़ करते हैं। और ये गुडनेस ऑफ फिट इज टेस्ट कैसे करते हैं, ये पूछा गया था CUET के एग्जाम में 2022 वाले में, तो ये इसका आंसर क्या था, काई स्क्वायर टेस्ट। तो मतलब डेफिनेशन से भी, ये एप्लीकेशन से भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। फॉर टेस्टिंग द हाइपोथेसिस अबाउट द रेशियोज फॉर वेरियस क्लासेस, तो वेरियस क्लासेस के अगर हमें रेशियो निकालना है तो हम टेस्टिंग कौन सा टेस्ट यूज़ करेंगे, काई स्क्वायर टेस्ट करेंगे। अगर हमें दो एट्रीब्यूट के बीच में इंडिपेंडेंस को देखना है तो वो टेस्टिंग कौन सा, काई स्क्वायर टेस्ट करेंगे। अगर लिंकेज के डिटेक्शन करना है तो काई स्क्वायर टेस्ट करेंगे। अगर पॉपुलेशन जेनेटिक्स में जीन फ्रीक्वेंसी के बारे में स्टडी करना है तो काई स्क्वायर टेस्ट करेंगे। टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस ऑफ डिफरेंस बिटवीन टू मीन, तो दो मीन के बीच में अगर हमें कुछ डिफरेंस सिग्निफिकेंस ये सब टेस्टिंग करनी है तो काई स्क्वायर टेस्ट करेंगे। जेट टेस्ट, इसको स्टूडेंट जेट टेस्ट भी बोलते हैं। ये कौन दिया है, आर ए फिशर दिए हैं। ये कब यूज़ करते हैं, जब सैंपल साइज मोर देन 30 हो, तो बस यहाँ से ऐसा ही पूछा जाता है कि कौन दिया है और कितने सैंपल साइज पे इसे यूज कर सकते हैं। स्टूडेंट टी टेस्ट, इसे कौन दिया है,
WS Gossett 1905 में दिया है, कब यूज करते हैं, जब सैंपल लेस देन 30 हो। कुछ बेसिक प्रिंसिपल ऑफ फील्ड एक्सपेरिमेंटेशन देखा जाए। ये रेप्लिकेशन क्या है, रेप्लिकेशन मतलब अगर हम कोई इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं तो उसमें जो ट्रीटमेंट्स होंगे उनके रेपिटेशन को ही हम रेप्लिकेशन बोलते हैं। अभी इसका भी एग्जांपल मतलब जब हम करेंगे तो उसमें समझ में आ जाएगा। जिससे रेप्लिकेशन से होता क्या है कि जिससे जितने भी ट्रीटमेंट्स हैं सबको फील्ड के अलग अलग इन्वायरमेंट से मतलब अलग अलग इन्वायरमेंट का एक्सपीरियंस हो जाए। जैसे एग्जांपल एक देख ही लेते हैं, जैसे हमारा 1 हेक्टेयर का ऐसे फील्ड है, उसमें हमको वीट के बारे में वीट्स को मतलब वीट हमने वीट ले लिया और कोई एक और क्रॉप ले लिया, चलिए वीट और मूंग ले लेते हैं, इन दोनों को हमें ट्रायल करना है। तो जैसे हमने इतने प्लॉट में वीट ले लिया, फिर जैसे ये प्लॉट पहले बना देते हैं, ये प्लॉट हमने बना दिया तो हम रेंडम में इसको कहीं ढेर सारे रेप्लिकेशन करते हैं, मतलब यहाँ भी कर सकते हैं, वीट को यहाँ भी कर दिए, वीट को यहाँ भी कर दिए, तो मतलब इस वाले एरिया से भी वीट एक्सपीरियंस हो गया, इस वाले एरिया से भी वीट मतलब कुछ एक्सपीरियंस हो गया, और इस वाले एरिया से भी हमें कुछ एक्सपीरियंस मिल गया। तो ये है रेप्लिकेशन, मतलब रेप्लिकेशन होना, उसका रेपिटेशन होना ज़रूरी है। जैसे 1 हेक्टेयर में केवल एक ही प्लॉट मिलेंगे तो उतना अच्छा रिजल्ट नहीं आएगा, प्रिसीजन रिजल्ट नहीं आएगा। तो अगर हमें प्रिसीजन बढ़ाना है एक्सपेरिमेंटल एरर को एस्टिमेट करने के लिए तो हमें रेप्लिकेशन करना होगा। और ये रेंडमाइजेशन क्या है, एलोकेशन ऑफ ट्रीटमेंट टू वेरियस एक्सपेरिमेंटल यूनिट बाई रैंडम प्रोसेस, मतलब हम जो भी ट्रीटमेंट लिए हैं उनको रेंडमली कहीं भी रख सकते हैं पूरे एक्सपेरिमेंटल यूनिट में। जैसे हमने 1 हेक्टेयर फील्ड देखा था उसमें ये हमने प्लॉट बनाए थे, तो इसमें हम रेंडमली किसी भी को कहीं भी रख सकते हैं। जैसे हमने वीट को यहाँ पर रखा, फिर बस ऐसे रेंडमली कहीं भी रख दिया, यहाँ पर रख दिया, यहाँ पर रख दिया, यह रेंडमाइजेशन, मतलब कहीं भी रख सकते हैं, ये नहीं कि ये इसी लाइन में केवल रखें, ऐसा नहीं करेंगे, कहीं भी उसको रख सकते हैं, यह है रेंडमाइजेशन। और रेप्लिकेशन मतलब क्या था, जैसे वीट को हम 3 बार रखे हैं तो ये हो गया रेप्लिकेशन, मतलब कितनी बार रखते हैं, और रेंडमाइजेशन मतलब कहीं भी रखते हैं। रेंडमाइजेशन से क्या होता है, जो रेंडम वेरिएशन होता है वो मिनिमाइज हो जाता है। अब ये लोकल कंट्रोल, एरर कंट्रोल क्या है, मतलब जो एरर होते हैं उसे कंट्रोल करने के लिए। तो इसमें हम क्या करते हैं, जो एक्सपेरिमेंटल मटेरियल है उसे हम कई सारे ग्रुप्स में डिवाइड कर देते हैं, जिसे हम ब्लॉक बोलते हैं। इससे होगा क्या कि जो होमोजेनिटी बढ़ेगी और लोकल कंट्रोल घटेगा। मतलब लोकल कंट्रोल के लिए क्या करेंगे, जो हमारा 1 हेक्टेयर का फील्ड है एग्जांपल के तौर पे, उसे हम कई सारे प्लॉट में डिवाइड कर देते हैं, तो इससे क्या होता है लोकल कंट्रोल मतलब एरर कंट्रोल ये ज़्यादा हो जाता है। ये इससे होगा क्या, इट रिड्यूस एक्सपेरिमेंटल एरर, इससे एक्सपेरिमेंटल एरर घटेगा, हेंस मेक द टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस मोर पावरफुल, तो जो हम टेस्टिंग कर रहे हैं वो काफ़ी पावरफुल हो जाएगा। ट्रीटमेंट क्या है, द ऑब्जेक्ट ऑफ कंपेरिजन विच एन एक्सपेरिमेंटल हैज़ टू ट्राई आउट इन द फील्ड, मतलब जिस चीज़ के लिए हम जिस ऑब्जेक्ट का हम कंपेयर कर रहे हैं एक्सपेरिमेंट में, उसी को हम ट्रीटमेंट बोलते हैं। जैसे हमने 1 हेक्टेयर फील्ड लिया था, उस पर हम वीट के वैरायटी को टेस्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पे ट्रीटमेंट क्या हो जाएगा, वीट वैरायटीज़। अगर हमें मैन्योर फर्टिलाइजर ये सब का स्टडी करना है तो ट्रीटमेंट क्या हो जाएगा, मैन्योर्स। किसी कल्टिवेशन प्रैक्टिस के बारे में करना है, सीड ट्रीटमेंट करना है, इंसेक्टिसाइड करना है, तो ये सब हो जाते हैं ट्रीटमेंट। एक्सपेरिमेंटल यूनिट क्या है, ग्रुप ऑफ मटेरियल टू विच ट्रीटमेंट इज अप्लाइड, मतलब जैसे कोई ग्रुप ऑफ मटेरियल है जिस पे हम ट्रीटमेंट को अप्लाई कर रहे हैं उसी को बोलते हैं एक्सपेरिमेंटल यूनिट। तो ए प्लॉट ऑफ लैंड मतलब कोई लैंड की प्रॉपर्टी है उस पे हम ट्रीटमेंट अप्लाई कर रहे हैं तो वो हो जाएगा एक्सपेरिमेंटल यूनिट। जैसे 1 हेक्टेयर फील्ड है उस पे हम कुछ करना चाहते हैं तो एक्सपेरिमेंटल यूनिट कितना हो जाएगा, 1 हेक्टेयर फील्ड। ये पेशेंट इन हॉस्पिटल, अगर हम हॉस्पिटल में पेशेंट पे कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो वहाँ पे एक्सपेरिमेंटल यूनिट क्या हो जाएगा, एक पेशेंट। एक्सपेरिमेंटल एरर क्या है, वेरिएशन इन द डाटा ड्यू टू अनकंट्रोल्ड फैक्टर। अनकंट्रोल्ड फैक्टर का मतलब क्या है, जिसे हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, ऐसे फैक्टर जिन्हें हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं उनकी वजह से जो डाटा में वेरिएशन आता है उसे हम बोलते हैं एक्सपेरिमेंटल एरर। एनवा क्या है, एनवा का फुल फॉर्म है एनालिसिस ऑफ वेरिएंस, इसको कॉन्सेप्ट कौन दिया था, आर ए फिशर दिया था। अभी एनवा है क्या, ये एनवा एक स्टैटिस्टिकल टेक्निक है, इसमें होता क्या है, जो टोटल वेरिएशन होता है उसे हम कंपोनेंट वेरिएशन में मतलब कई सारे पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। टोटल वेरिएशन को हम कई सारे पार्ट्स में कंपोनेंट वेरिएशन के डिवाइड कर देते हैं। और एनवा को कंप्यूट किससे करते हैं, एफ टेस्ट से, एग्जाम में पूछेंगे एनवा इज कंप्यूटेड बाय एफ टेस्ट। एक्सपेरिमेंटल डिजाइन क्या है, ए लोकल स्ट्रक्चर ऑफ एन एक्सपेरिमेंट दैट हैज बीन ऑब्टेनिंग रिजल्ट विद सम प्रिसिजन, मतलब ये एक्सपेरिमेंट करने के पहले हमें डिजाइन करने से चाहिए ये जो एक्सपेरिमेंटल डिजाइन है, तो जिससे होगा क्या कि हमारा जो प्रिसीजन है वो अच्छा खासा आएगा एक्सपेरिमेंट का। फिर आते हैं CRD पे, कम्प्लीटली रैंडमाइज डिजाइन। इसमें क्या है, इसमें याद करने वाली चीज़ें याद करिए, कोई ज़्यादा समझाना समझाना है नहीं। ये 1-way क्लासिफिकेशन है, 2-way कंट्रोल।
इसमें बस यही याद कर लीजिए कि वन वे क्लासिफिकेशन अभी क्या होता है, इस पर ज़्यादा ध्यान मत दीजिए। अभी अप्लाई कब करते हैं, जब एक्सपेरिमेंटल मटेरियल काफ़ी लिमिटेड हो, मतलब एक्सपेरिमेंटल मटेरियल हमारे पास कम हो, मतलब जो हाँ अभी हम एक हेक्टेयर फील्ड की बात कर रहे हैं ना, तो यहाँ पे फील्ड की बात नहीं करेंगे, ये हम पॉट की बात करेंगे, मतलब गमले की बात करेंगे, जैसे ये पॉट पॉट ऐसे ऐसे होगा, और लिमिटेड एक्सपेरिमेंटल मटेरियल और होमोजीनियस हो, जैसे कि सॉयल इन पॉट एक्सपेरिमेंट। तो जो हमारा पॉट्स होता है, गमला होता है, उसमें जो सॉयल होगा उससे हम CRD करेंगे। अब ज़्यादा हम बड़े फील्ड पे कर नहीं रहे हैं, तो इसमें जो डिग्री ऑफ फ्रीडम फॉर ईरर है, मतलब ईरर होने का चांस इसमें मैक्सिमम होता है, तो यहाँ मतलब CRD में ईरर होने का चांस ज़्यादा होता है। क्यों? क्योंकि इसमें प्लॉट उतना अच्छा नहीं होता है, छोटे सही फील्ड में हमें करना होता है, और लोकल कंट्रोल भी CRD में हम यूज़ नहीं कर पाएंगे। और CRD का अगर हमें डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालना है तो क्या फॉर्मूला बनेगा, N-P। यहाँ पर T क्या है, ट्रीटमेंट है, N क्या है, टोटल नंबर ऑफ प्लॉट, मतलब जो टोटल नंबर ऑफ प्लॉट हम बनाएंगे। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, हमें वीट के पांच वैरायटी को देखना है, पांच वैरायटी पे एक्सपेरिमेंट करने हैं, और तीन रेप्लिकेशन दिया है, तो कितना बनेगा, 5 × 3 बनते हैं 15। तो हमारा जो N की वैल्यू है वो कितना हुई, 15, और जो हमारा T है वो कितना है, 5। तो 15 - 5 कितना हुआ, 10। तुम्हारा ईरर डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना आएगा, 10। तो यहाँ पे ये नहीं होता, ये गलत दिया है, N-T होता है। रेंडमाइज ब्लॉक डिज़ाइन देख लिया जाए, ये टू वे क्लासिफिकेशन है, वन वे कंट्रोल है, तो इसे भी याद कर लीजिए। और ये फील्ड एक्सपेरिमेंट के लिए होता है, जो CRD था वो फील्ड एक्सपेरिमेंट के लिए नहीं था, और ये फील्ड एक्सपेरिमेंट के लिए होता है। और तब होता है जब फर्टिलिटी ग्रेडियंट जो फील्ड में है वो एक डायरेक्शन में हो। इसका मतलब क्या है, जैसे ये हमारा फील्ड है एक हेक्टेयर का, फर्टिलिटी ग्रेडियंट का मतलब है, जैसे इधर मान लीजिए ये जो एरिया है, इधर बहुत फर्टिलिटी यहाँ की सॉइल की बहुत ज़्यादा है, फिर धीरे धीरे इधर जब हम जाएंगे, इधर फर्टिलिटी घटती जाएगी, मतलब एक साइड में फर्टिलिटी ग्रेडियंट है। अब डबल साइड फर्टिलिटी ग्रेडियंट क्या होता है, ये भी हम आगे देखेंगे। और ये ट्रीटमेंट कब करते हैं, मतलब ये इससे जब 20 ट्रीटमेंट तक होता है तो हम इसे यूज करते हैं। अब ये RVD में होता क्या है, मोस्ट नंबर ऑफ ब्लॉक मस्ट बी इक्वल टू द नंबर ऑफ रेप्लिकेशन, तो जो ब्लॉक होते हैं, ब्लॉक के नंबर्स होते हैं, वो रेप्लिकेशन के बराबर होते हैं। द नंबर ऑफ प्लॉट इन ईच ब्लॉक शुड बी इक्वल टू द नंबर ऑफ ट्रीटमेंट, नंबर ऑफ प्लॉट किसके बराबर है, नंबर ऑफ ट्रीटमेंट के। इट प्रोवाइड्स मोर एक्यूरेट रिजल्ट देन CRD, क्योंकि इसके अंदर होमोजीनियस ब्लॉक्स सब का फॉर्मेशन आ जाता है, और इसमें ईरर होने का चांस भी कम होता है। और फील्ड एक्सपेरिमेंट के लिए सबसे कॉमन यूज कौन होता है, यही वाला डिज़ाइन, RBD डिज़ाइन ही सबसे ज़्यादा फील्ड में यूज किया जाता है। ये डिज़ाइन यूटिलाइज ऑल द 3 बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ फील्ड एक्सपेरिमेंटेशन, जो फील्ड एक्सपेरिमेंटेशन के 3 बेसिक प्रिंसिपल्स हैं उसको भी ये यूज करता है। और इसका अगर हमें ईरर डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालना है तो कैसे निकालेंगे, N-1 × R-1, याद कर लीजिए। लैटिन स्क्वायर डिज़ाइन क्या है, LHD। 3 पे क्लासिफिकेशन है, 2 पे कंट्रोल ऑफ ईरर है। द टर्म स्क्वायर हैज बीन यूज्ड इन LHD बिकॉज द नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम आर इक्वल, तो इसे हम लैटिन स्क्वायर की बोलते हैं, मतलब यहाँ पे स्क्वायर वर्ड क्यों यूज किया गया है, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ रोज जो होता है वो नंबर ऑफ कॉलम के बराबर होता है, और इसमें जो फर्टिलिटी ग्रेडियंट है वो 2 डायरेक्शन में होता है, और यही RVD में कितना था, 1 डायरेक्शन में था। तो देखते हैं फर्टिलिटी ग्रेडियंट 2 डायरेक्शन का क्या मतलब है, कि जैसे ये एक हेक्टेयर फील्ड है, इसमें हम फर्टिलिटी दिखा देते हैं, इधर मतलब फर्टिलिटी बहुत ज़्यादा है। अब हुआ क्या कि इधर जब हम जाने लगे तो फर्टिलिटी कम हो गई, धीरे धीरे इधर बहुत कम हो गई फर्टिलिटी, और हमने क्या किया, ये एक डायरेक्शन में हुआ। अब क्या देखते हैं, जो ये साइड है फील्ड का, इधर फर्टिलिटी बहुत ज़्यादा है, और जब हम इधर जाने लगे इस साइड, तो इधर फर्टिलिटी कम होने लगी, तो ये दूसरा साइड हो गया। तो इसका मतलब यही है कि जो फर्टिलिटी ग्रेडियंट है वो 2 डायरेक्शन में है। ये कितने ट्रीटमेंट के लिए सुटेबल है, ऐसे तो 5 से 8 भी है, लेकिन 5 से 12 भी होता है, तो 5 से 12 इसका मैक्सिमम है, आप लोग ये याद रखिएगा। और इसका मिनिमम ईरर डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होता है, 12। और ये 5 ट्रीटमेंट से अगर कम ट्रीटमेंट है तो हम इसे यूज नहीं कर सकते हैं। इसमें क्या है, नंबर ऑफ रेप्लिकेशन, नंबर ऑफ ट्रीटमेंट, नंबर ऑफ रोज, नंबर ऑफ कॉलम सब एक बराबर होते हैं। तो यहाँ से भी पूछ सकते हैं कि नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम किस डिज़ाइन में होता है, वो है LHD डिज़ाइन। और रेंडमाइजेशन ऑफ ट्रीटमेंट हम किस तरह से करेंगे, इन सच ए वे दैट ट्रीटमेंट अकर्स वंस एंड ओनली वंस इन ईच रो एंड इन ईच कॉलम, मतलब हम रेंडमाइजेशन ट्रीटमेंट का रेंडमाइजेशन इस तरह से करेंगे कि वो एक रो में केवल एक बार आए और एक कॉलम में केवल एक बार हो। यहाँ पे एग्जांपल के थ्रू देख लेते हैं, एग्जांपल के थ्रू देखेंगे तो अच्छे से याद होगा। जैसे
नंबर ऑफ रोज जो है वो नंबर ऑफ कॉलम के बराबर है, तीन रो है और तीन कॉलम है, तो हम इसमें ले लेते हैं वीट। वीट पे, वीट के किसी वैरायटी पे हमें एक्सपेरिमेंट करना है, तो जैसे हमने ये वीट ले लिया, अब ये वीट ले लिया, और अगर हम इसी फिर इसमें भी अगर वीट ले लेते हैं तो होगा क्या कि ये दोनों कॉलम में मतलब एक रो में, ये रो है तो ये एक कॉलम में एक रो में दो बार आ गया, तो ऐसा नहीं करना है। एक रो में केवल एक बार होगा और एक कॉलम में केवल एक बार, और इसको हटाते हैं। अगर यहाँ पे हमने ले लिया तो यहाँ पे एक कॉलम में दो बार आ गया, तो मतलब एक ना एक कॉलम में दो बार होना चाहिए ना एक रो में दो बार होना चाहिए, तो इसको हम यहाँ ले सकते हैं और यहाँ ले सकते हैं, तो ये हुआ LSD डिज़ाइन। इसमें एरर डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होगा, एन माइनस वन इंटू एन माइनस टू, एन क्या है नंबर ऑफ ट्रीटमेंट। जैसे अगर नंबर ऑफ ट्रीटमेंट 5 दिया है कि नंबर ऑफ ट्रीटमेंट 5 है, तो ये कैसे निकालेंगे, एन माइनस वन मतलब 5 माइनस 1 इंटू 5 माइनस 2, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 3, 4 3 12, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना आ गया, एरर डिग्री ऑफ फ्रीडम 12। फिर आते हैं एक स्प्लिट प्लॉट डिजाइन। स्प्लिट प्लॉट डिजाइन में क्या है, ए ले आउट इन विच वन सेट ऑफ ट्रीटमेंट इज असाइन टू ए लार्ज प्लॉट कॉल्ड मेन प्लॉट इन टू विच रेप्लिकेस इज डिवाइडेड एंड अदर सेट ऑफ ट्रीटमेंट इज सब डिविजन ऑफ द मेन प्लॉट कॉल्ड सब प्लॉट। इसका यही है कि इसमें हम दो ट्रीटमेंट्स लेंगे, मतलब दो सेट ऑफ ट्रीटमेंट्स लेंगे, जो एक होगा वो उसको ज़्यादा प्लॉट चाहिए, मतलब जो मेन प्लॉट है उसको वो चाहिए, और जो दूसरे हैं उसे हाफ प्लॉट थोड़ा सा चाहिए। जैसे एक हेक्टेयर फील्ड ले लिए हमें एक वन सेट ऑफ ट्रीटमेंट, तो फर्टिलिटी के लिए हमने पूरा अलॉट कर दिया, जो फील्ड है जो मेन प्लॉट है एक हेक्टेयर फील्ड है वो टोटल हमने फर्टिलिटी के लिए कर दिया, मतलब इस पर हम पूरा फर्टिलिटी एक्सपेरिमेंट करेंगे, और उसके बाद इसको हम कई सारे प्लॉट्स में डिवाइड कर देंगे। इसमें क्या होगा, मान लीजिए कोई वीट की वैरायटी पर एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, तो हमने वीट के वैरायटी को अलग अलग प्लॉट में दे दिया, तो ये है स्प्लिट प्लॉट डिज़ाइन। मतलब सब प्लॉट में हम वीट को रखेंगे, जिसे हमें कम पढ़ना है उसे हम सब प्लॉट में रखेंगे, और जिसे ज़्यादा पढ़ना है उसे मेन प्लॉट में। और ये इस डिज़ाइन को हम यूज करने के लिए क्या क्या करना है, देखना है हमें, व्हेन फैक्टर्स ऑफ द डिफरेंट नेचर आर टू बी टेस्टेड इन सेम एक्सपेरिमेंट, दैट इज लेवल ऑफ वन फैक्टर रिक्वायर लार्जर एरिया एंड कम्पेयर टू अदर फैक्टर। मतलब जो हम फैक्टर यूज कर रहे हैं, जो ट्रीटमेंट यूज कर रहे हैं, वो डिफरेंट नेचर के होंगे, और सेम एक्सपेरिमेंट में हमें उसे टेस्ट करना है, और एक का हमें ज़्यादा लेवल मतलब लार्जर एरिया चाहिए और एक को कम एरिया चाहिए, जैसे डेप्थ ऑफ प्लॉइंग एंड नाइट्रोजन लेवल। तो जैसे एक हेक्टेयर फील्ड है, हमने 15 सेंटीमीटर पूरे एरिया पे प्लॉइंग कर दिया, तो यहाँ पे मेन फील्ड में मेन प्लॉट में क्या किया, डेप्थ ऑफ प्लॉइंग, तो डेप्थ ऑफ प्लॉइंग भी हमें ज़्यादा अगर स्टडी करनी है तो हम उसको मेन प्लॉट में लेंगे, और अगर नाइट्रोजन लेवल देखना है तो नाइट्रोजन लेवल क्या करेंगे, इसको अलग अलग प्लॉट में डिवाइड कर देंगे। अब हम अलग अलग प्लॉट में नाइट्रोजन के लेवल को देखेंगे, और एग्जांपल में क्या है, डेट ऑफ सोइंग एंड वैराइटीज़ एंड नाइट्रोजन लेवल इरिगेशन लेवल। मतलब एक को जिससे ज़्यादा पढ़ना है उसे मेन प्लॉट में रखेंगे, और जिससे कम पढ़ना है उसे सब प्लॉट में। जब सभी फैक्टर्स इंपॉर्टेंट ना हो तो ही हम यूज करते हैं, मतलब एक फैक्टर ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो। व्हेन द लेवल ऑफ वन फैक्टर प्रोड्यूस लार्जर डिफरेंस एज कम्पेयर टू द लेवल ऑफ अदर फैक्टर, वही मतलब है, एक फैक्टर ज़्यादा डिफरेंस प्रोड्यूस कर रहा है, एक फैक्टर कम प्रोड्यूस कर रहा है। और जब हमें एक फैक्टर को हायर प्रेसिजन के साथ पढ़ना है और बाकी सबको उतना प्रेसिजन में नहीं पढ़ना है, तो हम उसे सब प्लॉट में रख देंगे, और जिसे हायर प्रेसिजन में पढ़ना है उसे हम लार्जर प्लॉट में रखेंगे। अब छोटा सा स्ट्रिप प्लॉट डिजाइन देख लिया जाए। जब हमें दोनों फैक्टर्स को लार्जर एरिया पर पढ़ना होता है, स्प्लिट में क्या था, एक फैक्टर को ज़्यादा लार्ज एरिया में पढ़ना था, और स्ट्रिप में क्या है, दोनों को लार्ज एरिया में पढ़ना है। इन दिस केस सब प्लॉट ट्रीटमेंट इज अप्लाइड इन स्ट्रिप्स इंस्टीट्यूट ऑफ रेंडमाइजिंग इन यूनिट। इसमें क्या है, जो फील्ड है उसे हम स्ट्रिप्स में बनाते हैं, ना कि प्लॉट वाइज। इन द डिज़ाइन नंबर ऑफ एरर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्लॉट साइज, तो जो इसमें क्या है, एरर किसके बराबर होगा, नंबर ऑफ एरर बराबर होगा नंबर ऑफ प्लॉट साइज के। अब एक कॉन्फिडेंस लिमिट क्या है, कॉन्फिडेंस लिमिट है द रेंज विद इन विच द ट्रू पॉपुलेशन मीन्स लाइज, मतलब एक ऐसा रेंज है जिसके अंदर जो ट्रू पॉपुलेशन मीन है वो लाइज करती है, तो इसे याद करने का कोई मतलब है नहीं, ये पूछा नहीं जाता है। ये पूछ सकते हैं कि कॉन्फिडेंस लिमिट को और क्या बोलते हैं, तो वो बोलते हैं फिड्यूशियली लिमिट बोलते हैं। ये बायोमेट्री क्या है, एप्लीकेशन ऑफ स्टेटिस्टिकल कॉन्सेप्ट एंड प्रोसीजर टू स्टडी ऑफ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम, तो बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स के स्टडी करने को, मतलब बायोलॉजिकल प्रॉब्लम के स्टडी करने में अगर हम स्टैटिक्स के कॉन्सेप्ट और प्रोसीजर को अप्लाई करते हैं, तो उसे हम बायोमेट्री बोलते हैं। तो थैंक यू फ्रेंड्स, अगर ये आपको वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए,
और बहुत मेहनत लगता है ये वीडियो बनाने में। बाय बाय।